Hi everyone! This is Sona Sharma, your reasoning educator. I welcome you all on the official YouTube channel of Bankers uh, I hope all of you are doing well. or today's topic, our इनकवालिटीज जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हम करेंगे इनइक्वालिटीज इन जस्ट वन शॉट मतलब आज हम सारी टाइप्स इनइक्वालिटी के कवर करने वाले हैं ये सेशन एक ऐसा सेशन रहेगा जो आपको आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट uh, तो मिले रहेगा आपका अगर एस बी आई है आई बी पी एस है आर आर बी है आर बी आई ग्रेड बी है आर बी आई असिस्टेंट है या कोई भी बैंकिंग या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सेलोगिजम आप बस ये वीडियो करके चली जाइएगा आप ये वीडियो करके चले जाइएगा इनक्वालिटीज़ की आपका पूरा पूरा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड आई होप आप लोगों को uh, जैसे जैसे चीज़ों में कोई भी अगर डाउट आता है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं एंड मैं कमेंट सेक्शन में आपको वो डाउट्स क्लियर करूंगी एंड चलिए स्टार्ट करते हैं uh, इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक न्यू प्रैक्टिस सेशन एक सेशन जो आपके लिए बहुत एक नया होने वाला है जो कि स्टार्ट होगा कल से रोज दोपहर बारह बजे तो आधे घंटे के सेशन में ज़रूर जुड़िएगा ये कोई नॉर्मल सेशन नहीं होगा इस सेशन का इम्पैक्ट आपके हर एक सब्जेक्ट पे पड़ने वाला है सो प्लीज़ डू जॉइन दिस सेशन एंड ये है हमारा रीजनिंग रील्स विद मी एंड लाइव एट 12 पीएम ओनली ऑन बैंक हड्डा ठीक है चलिए मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप सोना शर्मा पे जरूर जुड़ जाइएगा सोना शर्मा रीजनिंग जैसे ही डालेंगे आपको दिख जाएगा वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा साथ में अगर के चैनल चैनल को आपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू द राइट नाउ जिससे कि हम एक बड़ा परिवार बन सके और यहाँ पे अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को तो कितने टाइप्स की इनक्वालिटीज होने वाली है हम क्या क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सब चीज बताई जाएगी बस आपको बैठना होगा क्योंकि ये वीडियो कितने भी घंटे तक चल सकती है जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा मैं नहीं रुकने वाली हूं आप लोगों के लिए हर चीज सरल करने का हमने ठाना है और वो ही कर रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक चलिए तो इन को हम सबसे पहले सबसे पहले हम करेंगे बिल्कुल बेसिक इन बेसिक ओके जिसमें वन स्टेटमेंट होगा टू कंक्लूजन्स होंगे और फाइव ऑप्शन होंगे उसके बाद हम करेंगे आइदर और केसेस इन इन इनक्वालिटीज मैं बार बार सिलॉग्स बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं एक सेशन uh, में अभी सिलॉक्स ही पढ़ा के आई थी ठीक है आइदर और केसेस करेंगे उसके बाद और इसी के साथ हम ये भी डिफरेंस देखेंगे कि आइदर और नाइदर में क्या डिफरेंस होता है कब इधर और यूज करना है कब ना इधर नॉर यूज करना है हाँ, टाइप वह होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप और वो क्या है आपका दैट विल बी योर कोडेड इन इक्वालिटी ओके फोर्थ टाइप जो होगा उसमें मैं आपको कराने वाली हूं

फॉलो या फिर डज नॉट फॉलो ओके अब एक और टाइप है जो वैसे मैं आपको कोडर इन इक्वालिटी से पहले ही करा दूंगी और वो टाइप होगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला इन इक्वालिटी जिसमें इन ये जो ये जो चीजें हैं इनका भी प्रयोग होगा तो वो सब बताया जाएगा बस आप आ, रुके रहिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लास्ट जो होगा ये होगा फिल इन द ब्लैंक्स वाली बोल सकते हैं आप या फिर मिसिंग मिसिंग इनक्वालिटी बोल सकते हैं ठीक है ये लीजिए तो बस ये टाइप्स होंगे मैं बहुत ज्यादा आपको दस बारह या फिर मैंने देखा है पंद्रह टाइप्स भी यहां पे मैं चाहू तो यहां पे बना सकती हूँ इसके बट जरूरत नहीं है वो सभी टाइप्स में इन पांचों टाइप्स में आपके क्लियर कर दूंगी इन पांचों टॉपिक्स के बाहर आपको इन में ना ही प्री और ना ही मेन्स में कुछ मिलेगा सो सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर ऑल द एग्जाम्स सो चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है ओके तो लेटल स्टार्ट सबसे पहले हमें कुछ सिंबल पता होने चाहिए और उसी के उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए इनक्वालिटीज होता क्या है तो जल्दी से आ जाते हैं अब हम ये देखने की इनक्वालिटीज होता क्या है अभी तक आप बचपन से या फिर ग्रेजुएशन में भी आपने कुछ अः इक्वालिटीज मतलब कि कुछ इक्वेशंस देखी होंगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी या फिर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ऐसे करके आपको अलग अलग इक्वेशंस uh, देखने को मिली होगी फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं और मैंने बोला कि आप uh, एक के जी uh, कोई भी चीज ले आइए उसी के साथ एक के कोई दूसरी चीज़ मैं मंगवाती हूँ तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी एक्स uh, प्लस वाई ठीक है अभी हम यहाँ पे जो करने वाले हैं हम यहाँ पे इनक्वालिटीज करने वाले हैं अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इनक्वालिटीज में अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि आ, यहाँ पे आप किसी शॉप पे गए ओके और आ, आपने दो यहाँ पे इरेजर्स देखे ठीक है ये रेड कलर का है और ये आपका ब्लू कलर का है ये इरेजर्स में अब आपने दोनों इरेजर देखे और इसका कॉस्ट पूछा ये आपको महंगा लगा और ये आपको सस्ता लगा मे बी ये दस रुपए का हो और ये हो सकता है पाँच रुपए का हो तो आपने उसी टाइम में कंपैरिजन कर लिया ठीक है कंपैरिजन क्या होगा ये दस का है ये पाँच का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब कि कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये महंगा है ठीक है इसी के साथ हमें दो व्यक्ति दिखे हमें दो व्यक्ति दिखे ठीक है आ, जब हमने इन्हें देखा इनकी हाइट हमें बहुत लंबी लगी थोड़े अजीब से है बट स्टिल चलेगा ठीक है और ये हमें छोटे दिखे तो इनमें भी हमने कंपैरिजन कर दिया क्या कंपैरिजन किया भाई इनकी हाइट बड़ी है और ये इनकी हाइट छोटी है है ना अच्छा एक बात बताइए अगर इन दोनों की ही हाइट मैं सेम कर दूं तो अगर इन दोनों की हाइट सेम हो जाएगी तो इन दोनों के बीच में मैं लगाऊंगी इक्वल हाइट है जी इनकी है ना अच्छा अगर मैंने ये कर दिया कि इनकी हाइट को छोटा कर दिया इनकी हाइट से तो क्या हो जाएगा हम कौन सा साइन लगाएंगे इनके बीच में ये वाला सिंबल लगाएंगे मतलब बचपन से अभी तक हम कितने सिंबल्स पढ़ते हैं तीन सिंबल छोटा बड़ा और बराबर स्मॉलर स्मॉलर देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और यहां पे भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ने जा रहे हैं अब एक बात याद रखना हमारी एक इक्वेशन होती है जिसमें हम इक्वल यूज करते हैं फॉर एग्जांपल इफ आई जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी x plus y is equal to, अगर मैंने 200 मान लिया ठीक है तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को ये जो ये जो है इसको इसके बराबर लाना होता है और इसे हम क्या बोलते थे लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ये हमेशा ऐसे रहेगा ही रहेगा बट अगर मैं आपको बोलू कि यह जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू है ये छोटी होने वाली है टू हंड्रेड से तो ये क्या हो जाएगा ये तो इक्वालिटी थी बट नाउ इट इज एन इन इक्वालिटी अब ये एक इन इक्वालिटी बन चुकी है है ना Uh, अगर मैंने ऐसा भी बोला कि ये स्मॉलर या फिर इक्वल भी हो सकती है फिर भी ये एक इनक्वालिटी है हमें हमारे जीवन में हर हमारी डेली लाइफ में हम जो भी देख रहे होते हैं कर रहे होते हैं सोच रहे होते हैं वो सभी रीजनिंग के द्वारा कर रहे होते हैं और उसमें इन एक ऐसा शब्द है जो बार बार हम यूज करा करते हैं आ, हमारे माइंड में अगर आप मुख से भी यूज नहीं कर रहे हैं बट यू आर यूजिंग इट इन योर माइंड ओके तो यहाँ पे हर चीज में आप जैसे ही कोई भी व्यक्ति किसी को देखता है एक कंपेरिजन करना शुरू कर देता है तो इन को मैं एक सरल शब्दों में अगर कहूँ तो दिस विल बी अ कंपेरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स ओके तो ये एक कंपेरिजन होने वाला है जब आ, हिंदी में अगर

ऐसे मिलता है है यहां है मतलब अगर पे लिखा लिखा तो जहां से ये ओपन साइड होती है आप उसे बोलते हैं कि अच्छा ये ओपन साइड वाला जो है ना ये एलिमेंट बड़ा होगा इससे ये क्या दिखाता है ये दर्शाता है ग्रेटर अगर मैं यहां पे ये वाली साइड से देखो जहाँ पे पॉइंट रहता है जहाँ पे ये कोना होता है तो यहाँ पे क्या बात होती है ये वाला एलिमेंट हमेशा क्या होता है छोटा होता है मतलब B इज स्मॉलर देन A एंड इज ग्रेटर देन b यही होता है तो वही मैंने यहाँ पे बता रखा है तो देखिए x ग्रेटर देन y एक्स इज ग्रेटर ये सिंबल क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक्स छोटा है क्योंकि देखिए पॉइंट है है तो छोटा से एक्स देन वाई. इसके डायरेक्ट इज इक्वल, इक्वल टू कर वाई, वाई फिर यहां पे जो आता है ठीक है यहाँ पे अब दो और सिंबल्स आएंगे ये सिंबल क्या बोल रहा है द सिंबल इज या तो छोटा है या फिर बराबर है वाई के, पर जो भी आंसर होगा इन दोनों में से ही कोई एक होगा क्योंकि आइदर का मतलब ही होता है यदि या तो ये या ये और कुछ नहीं समझ में आई बात तो एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू वाई लेकिन जब ऐसे लिखा आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल का सिंबल तो ये क्या कह रही है ये भी आइदर ही लगा रही है और दो चीज कह रही है एक्स इज आइर ग्रेटर और इक्वल टू वाई ये ही दे रखा है so, ये इसी के साथ दो और आइदर ग्रेटर और इक्वल या फिर आइदर स्मॉलर और इक्वल ठीक है ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉलर देन एंड इक्वल टू और इक्वल टू अब आगे चलते हैं ठीक है बट इनक्वालिटीज़ के लिए मैंने इन्हें कुछ नाम दे दिए अब हमें सीखनी है इन इक्वालिटीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो अब हम क्या करें तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे दिए हैं इन सबको नाम देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि आसानी से हम इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चन को कर लें तो पहले इनसे थोड़ी पहचान करते हैं कौन है पीएम कौन है सीएम ठीक है तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहे हैं ये जो दो सिंबल्स हैं ना इनको मैंने नाम दे दिया है पीएम प्रधानमंत्री क्यों दिया है क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल है मतलब ग्रेटर और स्मॉलर जो अकेले हैं उनको मैंने बोल दिया है कि दीज साइंस आर द साइंस या फिर ये वो एलिमेंट ये वो सिंबल्स होने वाले हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पावर है या फिर मोस्ट पावरफुल है तो यहाँ पे जो पीएम है इन दोनों को कहा जाएगा सीएम इनको और इनको मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी को डंडी की जरूरत पड़ रही है तो वो थोड़ी पावर उनकी कम हो गई है और वो क्या है प्रधानमंत्री से अब क्या हो गए हैं ये चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और इनकी पावर प्रधानमंत्री से कम हो गई है कौन से कौन से हैं सीएम स्मॉलर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जबकि पब्लिक जिसके पास सबसे कम पावर है उसको हम इक्वल की कैटेगरी में रखेंगे ओके चलिए आगे चलते हैं तो यहां पे सबसे पावरफुल पीएम और फिर सीएम और फिर पब्लिक तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं मोस्ट पावरफुल ठीक है और ऐसे ही पावर डिक्रीज हो रही है और ये है लीस्ट पावर्स आगे चलते हैं अब आता है रिलेशन ठीक है आ, पहले आपको एक क्वेश्चन से मैं मिलवा दूं इसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा मेरे पास अभी स्लाइड चेंजर चेंजर नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन बता रही हूँ ठीक है तो आपका जो क्वेश्चन में पैटर्न होगा इनक्वालिटीज का वो कुछ ऐसा होगा आपको पीछे दिख रहा होगा स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दिया गया होगा उसके नीचे आपको कंक्लूजन दिए गए होंगे और फिर आपको पांच ऑप्शन दिए गए होंगे इंटरफेस आपको कुछ ऐसा ही मिल सकता है ये थोड़ा सा बस वाइज़ वर्ड इधर कर देना ये वाली चीज इधर दिखेगी ये वाली चीज इधर दिखेगी और फिर नीचे सेवन नेक्स्ट होगा तो यहाँ पे आप अपना कंक्लूजन देखेंगे और फिर आंसर आपको इनमें से किसी में टिक करना होगा ठीक है तो आपने पैटर्न देख लिया चलिए फिर अब क्वेश्चंस की बारी है तो हम अब क्वेश्चंस करने के लिए हमारा जो फाउंडेशन होगा वो क्या होगा अब देखो हमें जो स्टेटमेंट मिलेगी ना उसके थ्रू हमें बताना है कि क्या कंक्लूजन आने वाला है कौन सा सही है कौन सा गलत है ठीक है तो अगर मैंने यहां पे ए बी सी डी लिख दिया और मैंने आपसे पूछा ए और डी का रिश्ता बताइए तो आप ए और डी के रिश्ते बताने से पहले आप ये देखेंगे कि ए और डी का रिश्ता बताया भी जा सकता है मतलब ए और डी में कोई रिश्ता भी है वो कैसे देखेंगे वो देखिए आप ए से डी तक जाएंगे और फिर उनके बीच में दिए गए सभी सिम्बल्स को देखेंगे ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है और इस इक्वल को हम कर देते हैं इग्नोर पूरी तरीके से अगर ये अकेला आ रहा है तो ये इधर देख रहा है ये भी इधर देख रहा है मतलब रिलेशन बन जाएगा ठीक है रिलेशन बन जाएगा तो ये है रिलेशन पॉसिबल कब होगा तो यहां पे हमारा क्या होगा रिलेशन पॉसिबल होगा यहां पे हम बोलेंगे रिलेशन पॉसिबल ठीक है रिलेशन जबकि इसमें देखेंगे अगर तो इसमें भी ये सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं इक्वल को करते हैं इग्नोर तो ये सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं मतलब यहां भी रिलेशन पॉसिबल है इसलिए ये भी हो जाएगा पॉसिबल रिलेशन पॉसिबल मतलब आगे बढ़ा जा सकता है नेक्स्ट अब इसी के साथ रिलेशन नॉट पॉसिबल कब होता है रिलेशन पॉसिबल तो दिखा दिया पर रिलेशन नॉट पॉसिबल की क्या चीज होती है तो वो भी देखिए अगर आपको मैंने कुछ ऐसे सिंबल दे दिए या कुछ ऐसे सिंबल दे दिए मतलब ए वी टी डी ए बी सी डी ठीक है आपको ए से डी का रिश्ता पूछा गया तो आप जब ए से डी गए तो आपने देखा ये इधर देख रहे हैं इन्होंने पलटी मार दी इसे मैं क्या बोलती हूँ दोस्त ने मारी पलटी हमने तोड़ा रिश्ता मतलब ए और डी के बीच में क्या रिश्ता है हम कभी नहीं बता पाएंगे मतलब कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर कभी भी एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा ये सबसे पहले हम बोलेंगे नो रिलेशन नॉट पॉसिबल ऐसे ही यहाँ पे भी ए से जब हम डी गए तो ये इधर देख रहा है और इसने पलटी मार दी फिर से बोलेंगे लिख लेना यहाँ पे अपनी कॉपी पे दोस्त ने मारी पलटी हमने तोड़ा रिश्ता ठीक है और फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भी नो रिलेशन का केस हो जाएगा अब इसी के साथ मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगी आप सबने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप एक नोटबुक बनाएंगे क्योंकि ये इनक्वालिटीज इन वन शॉट है तो ये वीडियो आपको अब हर एग्जाम में काम आने वाली है आप एक नोटबुक बनाएंगे और उसमें हर एक चैप्टर का वन शॉट करके जैसे मैं जो जो चीज़ें आपको नोट करवाती जा रही हूँ आप उस कॉपी में रजिस्टर में नोट करेंगे ट्रस्ट मी गाइस मैं बहुत ज़्यादा आपको रूल्स नहीं देने वाली हूँ आपको सिर्फ मेरी ही क्लास में ये दिखेगा मे मेरा ये मानना है रूल्स हो इतने से और उस कंसेप्ट उस आ, आ, उस रूल पे जितने रूल्स मैंने आपको दिए उससे आप थाउजेंड टू थाउजेंड या हज़ारों लाखों क्वेश्चंस कर जाएं बस यही करना है रूल्स कम से कम बट क्वेश्चन से ज्यादा एप्लीकेशन उसकी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पे पे हो जाए ठीक है नो रिलेशन वेरी गुड ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं अब स्टेप्स कौन कौन सी सी फॉलो करनी होती है हमें तो देखते हैं देखो अगर आपका स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल इफ योर स्टेटमेंट इज एक सेकेंड मी ओपन दी नोट एल्सो ना ओके इट इज ऑलरेडी ओपन हाँ अब देखो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी क्या क्या स्टेप फॉलो करनी पड़ती है किसी भी इनक्वालिटी को करने के लिए ठीक है चलिए आ जाइए फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन डी ठीक है इक्वल्स टू ई सिंपल सा एक इक्वेशन लिया है स्टेटमेंट ये है और आपका कंक्लूजन है पहला इज ग्रेटर देन ई दूसरा इज ग्रेटर देन सी ठीक है चलिए तो आपका स्टेप क्या होगा आप कैसे इसे करेंगे वो देख लेते हैं देखिए तो इसमें कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे वो स्टेप्स क्या होंगे विजिबल ना विजिबल है और शुड आई चेंज दी कलर हाँ दिस विल बी विजिबल ठीक है तो पहला स्टेप क्या होगा स्टेप वन स्टेप वन आपका क्या होगा फ्रॉम वेयर टू वेयर कहां से कहां तक ठीक है फ्रॉम वेयर टू वेयर मैं हिंदी में भी बोलती जाऊंगी लिखना है तो आप हिंदी में लिख लेंगे कहां से कहां तक स्टेप टू फ्रॉम वेयर टू वेयर के बाद स्टेप टू आपका होगा अब फ्रॉम वेयर टू वेयर में क्या देखेंगे आप इनने बोला है सबसे पहले कंक्लूजन पे आ जाएंगे से ई तक जाना है ठीक है पता नहीं मतलब ए से ई तक जाना है ए से ई तक जाइए अब दूसरा रिलेशन पॉसिबल और नॉट रिलेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा रिलेशन देखना है पॉसिबल पॉसिबल, और नॉट ठीक है तो दूसरा रिलेशन कैसे देखेंगे रिलेशन देखने के लिए मैंने क्या बताया था सभी सिंबल्स देखेंगे एक डायरेक्शन में देख रहे हैं क्या तो हम देखेंगे ये भी दर देख रहे हैं ये भी दर देख रहे हैं ये भी इधर देख रहे हैं ठीक है ठीक है ये भी इधर देख रहे हैं ये इधर देख रहे हैं ये इधर देख रहे हैं सभी एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं इक्वल को हम करते हैं इग्नोर तो क्या हो जाएगा ये हाँ रिलेशन इज एब्सोल्यूटली पॉसिबल ओके ठीक है हाँ, तो रिलेशन यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा तीसरा स्टेप होगा तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा so, तीसरे स्टेप में हम देखते हैं अब लास्ट में जब रिलेशन पॉसिबल हो जाएगा तो आप यह देखेंगे आप प्रेफरेंस किसे किसे मानेंगे, ठीक है? तो प्रेफरेंस, साइन विल यू प्रेफर ओके okay? मतलब ए से ई के बीच में ए से ई का रिश्ता बताना है ना ए से ई के बीच में क्या सभी साइन में, आप देखेंगे तो ये क्या है ये है आपका पीएम अकेले है ना ये कौन है सीएम चीफ मिनिस्टर ये कौन है आपके फिर से पीएम और ये कौन है पब्लिक आपके घर के बाहर ये सब खड़े हो जाए आके तो किसको एंट्री मिलेगी ठीक है मिलेगी पीएम को प्रधानमंत्री को ठीक है अच्छा hmm. आप लोग नहीं दिस इज नॉट अ रिकॉर्डेड सेशन गाइस आप लोग मुझे ये कह रहे हो कि दिख नहीं रहा था तो थोड़ा वो किया है <laughs> यार स्टूडियो थोड़ा मतलब डार्कनेस हो रही थी एक मिनट मैं भी देख लेती हूँ ठीक है अब सही है अब सही है हाँ थोड़ी लाइट यहाँ पे नहीं थी चलिए स्ट, स्टेप थ्री प्रेफरेंस देखी जाएगी तो किसको प्रेफर करेंगे पीएम सीएम और पब्लिक में ऑब्वियसली बात है पीएम सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं पीएम को ही एंट्री देंगे मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका आपका पीएम आ जाएगा ए और ई के बीच में मतलब ए और ई के बीच में आएगा ग्रेटर का सिंबल ओके तो क्या हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन ई ये बिल्कुल सही हो जाएगा आई होप हर एक बिगिनर बच्चे को समझ में आ गया होगा कितना आसानी से हमने ये कर लिया है ना आगे देखते हैं से तक जाना जाए अब से वो ही मारेंगे सीख लिए ना अब इस ए की रूल से सबको कर डालेंगे से सी तक जाना है गए ए से सी के बीच में सभी एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं देखिए ये इधर देख रहे हैं ये भी इधर देख रहे हैं मतलब रिलेशन बन जाएगा दूसरा स्टेप भी फॉलो हो गया तीसरा स्टेप प्रेफरेंस पहला फ्रॉम वेयर टू वेयर ए से सी तक गए फिर रिलेशन पॉसिबल है क्या ए से सी के बीच में ये भी इधर देख रहा है ये भी इधर देख रहा है रिलेशन पॉसिबल है और फिर प्रेफरेंस किसको प्रेफर करेंगे पीएम या सीएम पीएम को मतलब क्या आ जाएगा ए बड़ा है सी से ए इज ग्रेटर देन सी एब्सोल्युटली करेक्ट तो आंसर क्या हो जाएगा इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो ऐसे ही ऑप्शन से भी मैं अभी आपको मिलवाऊंगी कि कौन से कौन से ऑप्शन होते हैं जैसे कि फर्स्ट में होता है इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो फिर आता है इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो फिर आता है इफ नाइदर फर्स्ट नॉर और सेकंड फॉलो और लास्ट में आता है कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो तो ये सभी से भी, भी तैयारी है बट इतना मुझे पता है मैं ग्रेजुएट्स को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे ठीक है तो आप सभी को इतना ये सब आप अंडरस्टूड कर पाएंगे चलिए फिर आगे चलते हैं आई होप इसमें इस किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अब आगे चलते हैं फाउंडेशन की ओर अब हमने ये तो देख लिया कि आ, हमारे ये तीन स्टेप से मैं पूरी आपको इनक्वालिटी करा दूंगी ये तीन स्टेप बेसिक स्टेप्स हैं ये तीनों को फॉलो करके आप कोई भी इक्वालिटी का क्वेश्चन कर सकते हैं अब ये तो था जब रिलेशन बन गया बट नो रिलेशन वाले क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे वो भी देख लेते हैं तो अगर यदि आपका स्टेटमेंट है a इज ग्रेटर देन b स्मॉलर देन इक्वल टू c स्मॉलर देन e ठीक है और पहला कंक्लूजन आपका है पहला कंक्लूजन आपका है a बड़ा है e से और दूसरा कंक्लूजन आपका है कि b या फिर ए को ही ले लेते हैं ए बड़ा या बराबर है ठीक है तो कैसे करेंगे वो ही चीज जो अभी अभी मैंने आपको सिखाई है <coughs> सॉरी तो क्या है वो चीज ए से ई तक जाना है फ्रॉम वेयर टू वेयर पहला स्टेप ए से ई तक जाना है जाइए ए से ई तक गए दूसरा स्टेप रिलेशन पॉसिबल है या नहीं ऐसे जब ई तक गए ये इधर देख रहा है और इसने पलटी मार दी दोस्त ने मारी पलटी दोस्त ने मारी पलटी जो पलटी मारते हैं एंड टाइम पे वो दोस्त नहीं होते मारी पलटी हमने तोड़ा रिश्ता ठीक है ये बात हमेशा याद रखना कोई पल्टी मारा अगर एंड टाइम पे तो रिश्ता उसी टाइम तोड़ देना है तो यहाँ पे भी हमने रिश्ता तोड़ दिया और नो रिलेशन जैसे ही रिश्ता टूटने के तो बात तो भाई तुम्हारे पास खुशी ही खुशी आनी है क्योंकि अब तुम्हें मेहनत नहीं करनी है तुम बोलोगे ये तो बिल्कुल गलत है फिर यहाँ पे आके बोलोगे ये भी बिल्कुल गलत है से सी में भी यही चीज़ हो रही है ए सी तक गए ये इधर देख रहा है इसने पलटी मार दी रिश्ता टूट गया ये भी नो रिलेशन का केस हो गया और इसलिए यहां पे भी हम खुश हो जाएंगे जैसे ही नो no रिलेशन हुआ कोई रिश्ता नहीं बन सकता तो कंक्लूजन जाके गलत कर देंगे ये पक्का गलत होगा कोई सही होने के चांसेस नहीं है ठीक है नाइदर फर्स्ट और इसका आंसर क्या आ जाएगा ना ही पहला ना ही दूसरा जी नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन अब मैंने लिख लिख के बच्चों की तरह जैसे एबीसीडी सिखाते हैं ना वैसे मैंने आपको इसका बिल्कुल बेसिक सिखाया पर ये बेसिक बहुत कमाल का है बड़े से बड़ा क्वेश्चन इस बेसिक के थ्रू हो जाएगा तो चलिए अब आगे चलते हैं हाँ। अब मैंने आपको एग्जाम्पल तो ऑलरेडी दे चुकी हूं आगे चलते हैं थोड़ा अब ये ये जो एक टेबल है ये आपको मिल जाएगी क्योंकि पीडीएफ देने वाली हूं आपको बट आप ये ये टेबल को पूरा समझने से पहले मतलब कि इस टेबल के बाहर कुछ नहीं है ये बाईस पॉइंट्स और पूरी इनक्वालिटी खत्म पर इस टेबल को समझने से पहले हमें सारे रूल्स देखने होंगे मतलब आइदर और सब सीखना होगा तो चलिए अब आते हैं अब हम आइदर और की तरफ हाँ अब आइडर और रहेगा हमारा टाइप टू। टाइप वन हमने क्लियर कर दिया हो गया कॉन्सेप्ट लेकिन अब बारी है प्रैक्टिस की क्योंकि इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे और उस पर बेस्ड प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे तो चलिए टाइम टू डू प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की जो अभी अभी हमने सीखा है तो जल्दी से करेंगे ये वाला क्वेश्चन और फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा बहुत अच्छा सिखाया थैंक यू श्रुति थैंक यू सो मच ओके तो आते हैं चलो इस क्वेश्चन पे तीन स्टेप याद रखना हमेशा क्या फ्रॉम वेयर टू वेयर कहां से कहां तक दूसरा रिलेशन बनेगा या नहीं रिलेशन पॉसिबल और नॉट पॉसिबल और तीसरा प्रेफरेंस कौन सा सिंबल को प्रेफर करेंगे पीएम सीएम या फिर पब्लिक तो यहां पे हमने देखा हमें कहा से कहा तक जाना है पहला स्टेप हमें सी से ई e तक जाना है तो स्टेटमेंट में जाइए सी से ई e तक सी से अब दूसरा स्टेप क्या होता है हम देखेंगे रिलेशन बनेगा कि नहीं तो उसके लिए क्या करेंगे हम सी से ई तक के बीच में ये इधर देख रहा है ये भी इधर देख रहा है इक्वल को करते हैं इग्नोर इक्वल को करते हैं इग्नोर तो ये सभी एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं मतलब रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा तीसरा स्टेप क्या है प्रेफरेंस पावरफुल साइन कौन सा तो भाई ये है पब्लिक ये है पी और ये है सी -म. तो तीसरा स्टेप तीसरा चरण क्या हुआ कि किसको प्रेफर करोगे भाई पीएम को करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर सी PM, मतलब कि ई e. यही दे रखा है बिल्कुल सही ठीक है Next. B से e तक जाना है पहला तो भाई सही हो गया अब B से ई e तक जाना है B से ई e तक गए से ई e के बीच में सभी एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं मतलब रिश्ता बन जाएगा ठीक है सेकेंड स्टेप हो गया रिलेशन पॉसिबल है रिलेशन तो बन जाएगा जी पावरफुल uh, साइन कौन सा ये है पी एम ये है सी एम तो पी एम आ जाएंगे मतलब बी छोटा होगा ई e से ये भी सही और ये भी सही तो क्या हो जाएगा आंसर इन, इन पांचों में से आप बताइए इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू मतलब ऑप्शन फाइव के गोले को आप टिक कर देंगे ठीक है वहां पे सर्कल मिलेगा आपको क्लिक uh, करना होगा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे फटाफट अभी जो मैंने बेसिक समझाया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आराम से आप कर लेंगे चलिए अब इतना समय नहीं दूंगी जल्दी हो जाना चाहिए स्पीड आपकी बढ़ जानी चाहिए इस वीडियो के दौरान ही कैसे ओ तक जाना है कैसे ओ तक जाएंगे दूसरा स्टेप सभी एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं ये इधर देख रहा है ये भी इधर देख रहा है रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा जो अकेला है मतलब ये है सीएम और ये है पीएम किसे चूज करेंगे पीएम को मतलब के बड़ा होगा ग्रेटर होगा से यहाँ पे क्या दे रखा है सीएम हमारा क्या आ रहा है पीएम आंसर क्या है पी एम मतलब के बड़ा है लेकिन ये बोल रहे हैं बड़ा या बराबर ग्रेटर देन और इक्वल टू तो हम बोलेंगे ये गलत है और हमारा तो सही है मतलब ये कंफ्यूजन गलत है अब दो तो चीज़ नहीं हो सकती ना एक बोल रहा है इसकी हाइट बड़ी है एक ही हाइट बड़ी है बी से और एक बोल रहा है बड़ी है या बराबर है तो हम बड़ी वाली ही लेंगे ना बड़ी या बराबर तो नहीं लेंगे क्योंकि एक्जैक्टली हमें पता है दैट इज ग्रेटर देन बी अब यहाँ पे बी से वी तक जाना है बी से वी तक जाओ अरे बी से वी के बीच में तो डायरेक्ट बता रखा है बी बड़ा है वी से अगर किसी की हाइट समझ लो मैंने अगर हाइट मान लिया अगर ए की हाइट बड़ी है बी से या फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ तनीशा की हाइट विद्या से अगर बड़ी है तो क्या कोई आके कंक्लूजन अगर बोले अच्छा तनिशा की हाइट तो छोटी है विद्या से तो आप बोलेंगे ना तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा ये बिल्कुल गलत है चलिए तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे एंड आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे फटाफट चलिए एम से ई तक जाना है पहला स्टेप क्या फ्रॉम वेयर टू वेयर मैंने तुम्हें रटवा दिया है अब तुम भूल नहीं पाओगे कभी तो कहाँ से कहाँ तक जाना है जी एम से ई तक जाना है एम से ई के बीच में ये इधर देख रहे हैं इक्वल को करते हैं इग्नोर लिख लो इक्वल मतलब इग्नोर इग्नोर ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया एम से ई तक गए एन से ई के बीच में ये इधर देख रहे हैं इन्होंने पलटी मार दी दोस्त ने मारी पलटी हमने तोड़ा रिश्ता ये लीजिए नो रिलेशन हो गया नेक्स्ट से के तक जाना है अब ए से के तक गए ये इधर देख रहे हैं ये इधर देख रहे इन फिर पलटी मार दी दोस्त ने मारी पलटी हमने रिश्ता फिर तोड़ दिया आंसर क्या आएगा अगेन नाइट द फर्स्ट और सेकेंड फॉलो मतलब ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज जल्दी करेंगे परफॉर्म <coughs> जो मेथड सिखाया है उसी से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे थैंक यू मैम फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच ट्विंकल चलिए बी से ई तक जाना है बी से ई तक गए ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है सभी की रिएक्शन में देख रहे हैं इक्वल करो इग्नोर रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा जो अकेला है मतलब ये बी छोटा हो जाएगा ई e से यही दे रखा है बिल्कुल सही ठीक है पीएम बोल लो या फिर जो अकेला है वो ही पावरफुल है ये बोल लो ए से एम तक जाना है ए से एम तक जाइए ए से एम के बीच में ये इधर देखने ये इधर देखने और इनने पलटी मार दी दोस्त ने मारी पलटी हमने तोड़ा रिश्ता और रिश्ता टूटा मतलब नो रिलेशन होते ही जैसे ही नो रिलेशन हुआ हम आके बोल देंगे कंक्लूजन गलत है ठीक है आंसर क्या हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो ओनली फर्स्ट इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हें लग रहा होगा मैम ये तो बहुत आसान लग रहे हैं हम ये क्यों कर रहे हैं ये जो बेसिक वाले मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना ये क्वेश्चन आर के वो भी पीओ जैसे एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं साथ में आई बीपीएस में भी पूछे जा चुके हैं। तो आपको मैं इसलिए आपके आपका ट्रस्ट बना रही है मेरे पे। इसलिए मैं हाँ पे में जो भी पढ़ा उससे क्या हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर पाएंगे और पांच के पांच नंबर अपने कर पाएंगे देखिए कर पाएंगे कर सकते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है हाँ पर इससे पहले इस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले मुझे आपको आइदर और सिखाना होगा अभी हम बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं फिर आइदर और भी सीखेंगे जल्दी से करेंगे परफॉर्म ठीक है तो ये आरआरबी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपको बोल रहा है जे से एल तक जाना है जे से एल तक जाइए जे से एल के बीच में सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं देखिए मतलब रिश्ता बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा होगा ये पीएम है ये सीएम है और ये पीएम है और ये पब्लिक को कर दो इग्नोर पब्लिक को इग्नोर करते हैं ना तो किसको लोगे एंट्री किसे देंगे पीएम पीएम को तो क्या हो जाएगा जे PM, मतलब जे जे मतलब बड़ा बड़ा एल जे बड़ा एल बिल्कुल सही एच से पी तक जाना है ऐसे ही एच से पी तक जाएंगे ये इधर देख रहे ये भी इधर देख रहे रिश्ता बन जाएगा अब रिश्ता बन गया तो तीसरा स्टेप क्या था प्रेफरेंस देखेंगे तो ये सीएम है ये Pm है किसे चूज करेंगे पीएम को मतलब क्या हो जाएगा एच छोटा पी एच इज स्मॉलर देन पी दे क्या रखा है एच इज ग्रेटर देन पी तो ये तो भाई गलत हो गई ठीक ऑपोजिट बात करती ठीक है चलिए नेक्स्ट सॉरी चलिए ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे और ये क्या है आपका ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है चलिए पहला कंक्लूजन एफ से क्यू तक जाना है थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे आप एफ से क्यू तक गए ये इधर देख रहे हैं इक्वल को करो इग्नोर और ये इधर देख रहे हैं जब भी आपको याद रखिएगा ये ये मिला या फिर ये ये मिला ऑपोजिट सिंबल्स मिले या फिर ये ये मिला या फिर ये ये मिला या फिर ये ये मिला ये, ये, ये सभी क्या बोलेंगे नो no रिलेशन क्या नो no रिलेशन तो ये हो जाएगा ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है तो ये हो गया नो रिलेशन और नहीं हुआ जब नो रिलेशन हो गया तो कंफ्यूजन तो पक्का गलत होगा नेक्स्ट क्यू से एफ तक गए क्यू से एफ तक गए क्यू से एफ के बीच में ये इधर देख रहा है और इसने पलटी मार दी दोस्त ने मारी पलटी हमने रिश्ता तोड़ा आंसर ये भी हो गया गलत आंसर क्या होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड अब अब लग रहा होगा ना कि यार अभी आधे घंटे की जो मेहनत थी वो काम आई है ना तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है वो भी आरआरबी में आ, जल्दी से करेंगे ये वाला क्वेश्चन अब हम एक स्टेप और ऊपर चलेंगे अभी तक हम कर रहे थे एक स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब इसमें हम करेंगे टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ओके तो ये दो स्टेटमेंट दी गई है अब हम एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट तक कैसे जाएंगे वो सब भी बताया जाएगा पर उसके लिए आपको थोड़ा बना रहना पड़ेगा ठीक है <coughs> ए, ए ए बता रहे हैं सब देखिए कैसे होगा टी से एफ तक गए टी से एफ कैसे जाएंगे तो यहां है टी और यहां है एफ टी से एफ तक जाने के लिए मतलब कि दो अलग अलग ग्रुप में बात हो रही है अब इसको मैं बहुत आसानी से आपको समझाती हूँ अपनी डेली लाइफ का ले लीजिए दो ग्रुप है आपको अपनी बात दूसरे ग्रुप में किसी व्यक्ति तक पहुंचानी है व्यक्ति जेंडर नॉट स्पेसिफाई जब ब्लड रिलेशन कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा जब हम व्यक्ति बोलते हैं जब हम पर्सन बोलते हैं तो वो जो जेंडर होता है हम उसका जेंडर नहीं बता सकते पर्सन अगर कोई हमें बोल रहा है तो उससे हम क्या आ, आ, उसे हम ये भी मान सकते हैं कि वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है ठीक है तो ये बात पता होनी चाहिए अब यहाँ पर मैंने आपको टी से एफ तक मतलब कि ये एक ग्रुप है ये एक ग्रुप है और टी को अपनी बात एफ तक पहुँचानी है अब टी क्या करेगा आप क्या करेंगे आपको अपनी बात दूसरे ग्रुप तक पहुंचानी है किसी व्यक्ति तक पहुंचानी है दूसरे ग्रुप के आप क्या करेंगे आप ढूंढेंगे क्या दुनेंगे मेरे ग्रुप में और उसके ग्रुप में कोई एक सेम बंदा है कोई एक सेम पर्सन है जो यहाँ भी फ्रेंड है और वहाँ भी फ्रेंड है तो आपने देखना शुरू किया तो यहाँ पे भी हमने यही शुरू किया टी ने भी यही किया क्या टी के ग्रुप में और इसके ग्रुप में कोई सिमिलर पर्सन है हमने देखा हाँ है सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है तो टी ने फिर बात पहुँचाई सी तक और सी ने पहुँचा दी एफ तक फाइनली एफ तक पहुँच जाएगी लेकिन पहुँचने के लिए भी आपको रिश्ता देखना पड़ेगा मतलब क्या टी से सी की बातचीत है अच्छी खासी कि सी एफ तक बात ले जाए तो वो बातचीत देखने के लिए जैसे टी से सी तक गए और फिर सी से एफ तक गए हम क्या देखते हैं इज रिलेशन पॉसिबल और नॉट वो ही चीज जो अभी सीखी क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे अगर मैं आप क्योंकि आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं तो आप इसे क्या कर सकते हैं एक लाइन में भी लिख सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं ठीक है कैसे करेंगे टी और सी क्या लिखा है टी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू सी आगे क्या लिखा है सी इज स्मॉलर देन एफ इज स्मॉलर देन एफ ये लिखा है ठीक है हाँ हमें क्या चाहिए टी से एफ तक अब वो बेसिक जो मैंने आपको तीन स्टेप बताए थे वो तीन स्टेप कर दीजिए टी सेफ तक जाना है टी से एफ के बीच में दूसरी चीज क्या होती है रिलेशन फाइन करेंगे T से F के बीच में ये सभी ये इधर देख रहा है ये भी इधर देख रहा है रिलेशन बन जाएगा तीसरी चीज क्या होती है प्रेफरेंस किसे प्रेफर करेंगे ये है सी एम ये है पी एम पी एम को प्रेफर करेंगे आंसर क्या आएगा टी छोटा है एफ से यही दे रखा है बिल्कुल सही लेकिन लेकिन अभी तो आप ऐसे कर सकते हैं पर कुछ टाइम में आपको प्रैक्टिस कैसे करनी होगी आप डायरेक्ट अपनी नजरों के द्वारा कर रहे होंगे काम ठीक है तो यहाँ पे टी से सी तक नजर घुमाएंगे आप देखेंगे छोटा साइन है सी से एफ तक घुमाएंगे आप देखेंगे फिर छोटा साइन है सी से एफ देखना इधर से इधर देखना छोटा साइन है पूरी लाइन में आपको छोटा छोटा साइन मिला है ना अब जब छोटा साइन मिल रहा है मतलब किसी ने पलटी नहीं मारी कोई भी बड़ा साइन नहीं आया इट मींस रिश्ता तो बन जाएगा रिलेशन तो पॉसिबल है पर पावरफुल साइन कौन सा होगा तो पावरफुल तो पीएम ही होंगे ठीक है तो पावरफुल साइन कौन सा है टी से सी तक गए छोटा साइन मिला सी से एफ तक गए फिर छोटा साइन मिला तो हमने क्या देखा पावरफुल साइन कौन होंगे पीएम मतलब टी छोटा हो जाएगा एफ से यही दे रखा है बिल्कुल सही आगे ई से बी तक जाना है अभी मैं और भी थोड़ी सी चीज़ें देखो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे 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 ऐसे पन्ने खुलते जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे आपके आ, ये सिखाने के बाद मैं फिर से आपको एक चीज़ से रिवाइज़ कराऊंगी जो आपको आप ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी क्यों क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं अगर मैं स्टार्टिंग में बता रही होती तो आपको लगता मैम क्या बता रही हैं बट अब आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको ये समझ में आ जाएगा E से बी तक जाना है E से बी तक कैसे जाएंगे दो स्टेटमेंट है ई से बी तक हम एक ही ग्रुप की बात है तो दूसरे तक छलांग मानी ही नहीं है तो क्या करेंगे ई से बी के बीच में सिम्बल्स देखेंगे अब पहले कहां से कहां तक ई से बी तक ये इधर देख रहा है इसने पलटी मार दी दोस्त ने मारी पल्टी रिश्ता तोड़ दिया नो रिलेशन हो गया और इसलिए ये हो जाएगा नो रिलेशन Wrong. मतलब कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा Next question, जल्दी करेंगे परफॉर्म ये भी आपका दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो ये कर रहे हैं हम अभी टू स्टेटमेंट वाले किससे उसी वाले फॉर्मूले से जो हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस पे लगाया है ज्यादा नहीं रूल्स लेने हैं ज्यादा रूल्स नहीं पढ़ने हैं रूल्स होने चाहिए कम बट क्वेश्चन वो रूल्स उन क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा सभी क्वेश्चन पे लग जाने चाहिए तब आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं <coughs> चलिए अब यार इतना प्यारा कमेंट आया था तो आई शुड रीड दैट ना हाँ तो रिचा हमारी कह रही हैं मैम यू आर द बेस्ट मैम आपके अलावा किसी का पढ़ा समझ में नहीं आता है थैंक्स टू uh, दो पेज बनाए के लिए uh, और uh, आप अकेले पढ़ाने आई थैंक यू सो मच रिचा थैंक यू थैंक्स अलॉट अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मी राइट नाउ अभी के अभी प्लीज एक बार सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक like तो बनता है यार वन शॉट में आई एम गिविंग यू होल इन इक्वालिटी आई deserve वन लाइक ना तो प्लीज़ डू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन जितना शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप रिकॉर्डेड भी देखें रिकॉर्डेड uh, भी अगर आप देख रहे हैं देन प्लीज़ शेयर दी सेशन जिससे कि किसी और की भी हेल्प हो पाए और आप उसमें एक मीडियम बन सके इस वीडियो को दूर तक पहुँचाने के लिए ठीक है थैंक यू अब इधर आते हैं अभी मैंने चीज सिखाई इस इसपे वही चीज लागू करेंगे एफ से सी तक जाना है एफसी सी तक गए एफ से सी के बीच में ये इधर देख रहा है और ये इक्वल का सिंबल है इक्वल को करते हैं पूरी तरीके से इग्नोर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक सिंबल मिला ये क्या हो जाएगा एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी तो यहाँ पे आंसर आएगा एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है ना नाउ डी से आई तक अब देखो आंसर तो हमारा ये आ रहा है इन्होंने क्या दे रखा है एफ बड़ा है सी से हम बोलेंगे नहीं नहीं तुमने पीएम दिया है आंसर तो सी एम आ रहा है मतलब ये गलत हो जाएगा आगे डी से आई तक जाना है डी से आई तक कैसे जाएं? यार डी तो इधर है लेकिन आई इस ग्रुप में नहीं है आई इस ग्रुप में बैठा है तो क्या करेंगे इस ग्रुप में और इस ग्रुप में जो भी सेम पर्सन होगा उसको ढूंढेंगे जो सारी जगह मौजूद होता है तो यहाँ पे हमने देखा वी एल वी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो क्या किया डी ने अपनी बात वी तक पहुंचाई और फिर वी ने अपनी बात A तक पहुंचा दी पहुंच गई बात पर रिश्ता भी अच्छा होना चाहिए बातचीत होनी चाहिए यानी नहीं कि दोनों मुंह फुला के बैठे हैं तो यहाँ पे एफ से सी तक गए नहीं डी से वी तक गए डी से वी तक गए तो रिश्ता देखो ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है ये भी इधर देख रहा है रिश्ता बन जाएगा जी है ना लेकिन वी से आए वी भी इधर देख रहा है अब देखो अब इधर ही देख रहा है इधर देख रहा नहीं समझ रहा अगर क्योंकि कुछ रिवर्स कर गए है ना अब इसका नाम आप रिवर्स इन क्वालिटी तो मत ही देना पर आप इसे कैसे देखोगे आपका नजरिया क्या होगा जिससे कि आपका टाइम बचे तो आप बस एक चीज देखोगे आप देखोगे अगर आप इसे ऐसे ही करना चाहते हो विदाउट पेन तो आपका तरीका क्या होगा वो देखो अब वो चीज सीखो थोड़ा और ऊपर आओ डी कॉमन क्या ग्रेटर का बड़ा साइन डी से वी तक के बीच में मुझे बड़ा साइन जरूर मिल रहा है अगर मैं इक्वल को इग्नोर करती हूँ है ना और जब मैं वी से आए गई तो भी मुझे बड़ा साइन मिला वी की तरफ से देखना होगा ना वी से गए है ना तो भी मुझे बड़ा साइन मिला मतलब पूरी लाइन में आई एम गेटिंग ग्रेटर का साइन इट मीन वॉट इट मीन कि जो डी हो जाएगा ना डी और आई के बीच में रिश्ता तो पॉसिबल है क्योंकि किसी ने भी पलटी नहीं मारी है अब दूसरी चीज क्या होगी हमारी अब हम क्या करेंगे अब हम देखेंगे पावरफुल साइन कौन सा है तो जब D से V तक गए तो हमें सी एम भी दिखे पी एम भी दिखे पी एम से पावरफुल कौन है कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा पी एम ही हो जाएंगे मतलब D इज ग्रेटर देन I D is greater than I. Only conclusion second follow B is absolutely correct. Yes guys option two well done. सीख गए तुम है ना चलो जल्दी से फटाफट ये भी करके दिखाओ दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी तुम सीख गए बताओ एक घंटा भी नहीं हुआ और इसमें तुम सारे बेसिक सीख चुके हो आप टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सीख चुके हो और अब हम हाँ आइदर पे भी चल रहे हैं चलिए क्या करेंगे बी से जी तक गए बी से जी तक कैसे जाएं, भाई दोनों में ढूंढ लेंगे वही ढूंढो दोस्त को जो इधर भी हो उधर भी हो और जो कहीं का नहीं होता है, वो सारी जगह होता है, है ना तो यहाँ पे क्या होगा बी से टी मिल गया हमें टी यहाँ भी है टी यहाँ भी है तो बी ने अपनी बात टी तक पहुंचाई और फिर टी को बोला भाई तू पहुंचा दे जी तक बात ठीक है लेकिन बात पहुंचाने के लिए हमें सिंबल्स देखने होंगे मतलब हमें ये देखना होगा रिश्ता है भी इनमें कि बातचीत होती हुई है इनमें तो जब हमने बी से टी चले हमें स्मॉलर का सिंबल मिला अब मैं इसे एक लाइन में ऐसे भी बता सकती हूँ बिल्कुल बेसिक से आप बेसिक वाले बिल्कुल बिगिनिंग से अगर कोई सीख रहा है तो वो स्टार्टिंग में यूज कर सकता है वो मेथड वो मेथड क्या है आप पूरा लिख लेंगे इसे लाइन में बी स्मॉलर देन इक्वल टू टी अब टी पे पहुंच जाइए टी इक्वल है एस के इक्वल एस फिर एस बड़ा बराबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जी है ग्रेटर देन और इक्वल टू जी है एस है ना जो जो तो चीज़ें सेम मैंने उतार दी अब मैं देखूंगी बी और जी का रिश्ता तो बहुत आसान हो गया ना अब बी और जी के बीच में आप बोलेंगे नो रिलेशन है मैम ये इधर देख रहा है उसने पलटी मार दी दोस्त ने मारी पलटी हमने तो रिश्ता ही तोड़ दिया लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये नहीं बनाना है तो वो भी मैंने आपको सिखाया है क्या करोगे आप बी से टी देखें टी से जी देखें जब बी से टी गए आपको स्मॉलर का साइन मिला छोटा ठीक है अब कॉमन साइन आपको छोटा ही मिलना चाहिए अब बड़ा अगर आ गया तो भाई गलत हो जाएगा रिश्ता नहीं बनेगा अब आपको बी से जब टी गए तो आपको छोटा साइन मिला और फिर टी पे पहुंच गए टी से जब जी गए तो आपको बड़ा साइन मिला इधर की साइड बड़ा है ना छोटे के बाद बड़ा साइन मतलब दोस्त ने पलटी मारी है मतलब रिश्ता टूट गया समझ में आ रही है बात चलो दूसरा जी से बी तक जाना है अब यार जी से टी गए टी से बी गए फिर से वही बात नो no रिलेशन हो जाएगा देख लेना आप वापस तो ये भी गलत हो जाएगा लेकिन अब बारी आती है यहाँ पे की नहीं बल्कि आइदर और की आती है या नहीं वो सब बताया जाएगा तो अभी रखती हूँ मैं आपको सस्पेंस में <coughs> तो बेटा इसका आंसर एक्चुअली आइदर और होगा पर क्यों होगा कैसे होगा वो सब बताया जाएगा आइदर और सीखने के बाद ठीक है तो ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है सेम ऐसा क्वेश्चन आया था तो चलिए अभी आइदर और पे चलते हैं ठीक है पर और से से पहले थोड़ी सी से आपसे फिर से बातचीत करना चाहूंगी तो सबसे पहली चीज हमेशा आप याद रखेंगे मैं कुछ कुछ चीजें बता रही हूँ आपको हमने बेसिक को एक बार मैं कर दू। एक बार उसको मैं पूरी तरीके से आप तक पहुंचा दू बेसिक इनक्वालिटी में मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया मैंने आपको बताया था कि आप किसको प्रेफर करेंगे क्या क्या चीजें आएंगी और आप किसको प्रेफर करेंगे तो वो कुछ मैं आपको चीजें बता रही हूँ आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपका ये ये इधर देख रहा है मतलब कि ग्रेटर का साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है और इक्वल का साइन है तो आप किसे प्रेफर करेंगे यू विल प्रेफर विथ साइन पहली बात है सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं रिश्ता तो बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा होगा जो अकेला है या फिर पी एम तो क्या आ जाएगा सबसे पावरफुल कौन पी एम ठीक है अगर मैं इसे ऐसे कर दू तो कौन सा सिंबल लेंगे आप अभी भी ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं रिश्ता बन जाएगा तो पावरफुल साइन कौन सा होगा यहाँ पे पीएम तो पीएम हो जाएंगे ठीक है अगर मैं इसमें ये दोनों सिंबल्स रखूं तो ये क्या है ये है सीएम और ये है पब्लिक पब्लिक को तो इग्नोर करना है तो बचा कौन सीएम सीएम को एंट्री देंगे तो सीएम आ जाएंगे ऐसे ही अगर मैं ये ऐसे दे देती तो भी आप सीएम को ही रखते ठीक है और अगर लाइन में आपको सिर्फ पीएम और पब्लिक मिल गई तो आप पीएम को चूज करेंगे पावरफुल तो पीएम ही है ना तो आप पीएम को चूज करेंगे ठीक है और अगर लाइन में आपको सभी इक्वल बस पब्लिक ही पब्लिक भरी हुई है लाइन में तो भाई पब्लिक को ही एंट्री देनी पड़ेगी मतलब अगर इक्वल 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 दे रखा है मतलब आंसर में भी इक्वल आएगा उन दोनों के बीच में तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अब चलते हैं आगे टाइप टू पे देखो इसके बाहर ना तुम्हें इन कुछ नहीं मिलना है सब मैंने बता दिया है आपको ठीक है हाँ तो अभी आप प्रिपेयर हो गए हो समझ लो एसबीआई पीओ तक के लिए आप बेसिक इनक्वायरीज लेके प्रिपेयर हो चुके हो अब चलते हैं आइदर और केसेस में अब आइदर और केसेस में क्या होगा देखो आइदर और केसेस के लिए हमें कुछ-कुछ आपको नोट करनी होंगी चीजें और कुछ-कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ पाओगे देखो आइदर और केस कब होता है पहली बात ये सुनो आइदर और केस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि दोनों ही चीजें गलत होनी चाहिए पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू सिखाऊंगी और फिर मैं आपको इक्वेशंस के थ्रू भी बताऊंगी एग्जांपल क्या है मैं दो केस में के चल रही हूँ एक रिलेशन जब आपको पता होता है कौन क्या है और एक नो रिलेशन फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं दो बच्चों के नाम लेती हूँ यहाँ पे मैंने लिया अवंतिका एंड सेकेंड वन ले ली मैंने अम्म uh, वंशिता ठीक है अवंतिका एंड वंशिता एवी एंड ठीक है मैंने बोला आपको अवंशिका की अवंतिका की हाइट या मैंने तो यार तुम लोगों का वो बना दिया अवन के साथ छिता लगा दिया छिता, अवंतिका अवंतिका की हाइट अगर मैंने बोली कि भाई वंशिका से वंशिता से सॉरी वंशिता से यार मैंने गलत नाम ले लिए, मेरे को बड़ी कंफ्यूजन हो रही है इसमें अवंतिका की हाइट वंशिता से बड़ी नहीं है अगर मैंने ये बोला तो मैंने आपको एक रिश्ता बता दिया क्या बताया अब आप बोलेंगे मैम अवंतिका की हाइट ना इसका मतलब या तो छोटी है या तो बराबर है वंशिता के तो यहां पे आप क्या बोलेंगे आपको कंक्लूजन मिल जाएगा क्या चीज आप बोलेंगे मैम अवंतिका की हाइट या तो छोटी है या बराबर है किसके वंचिता के यही तो बोलेंगे ना लेकिन 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 अगर मैंने अवंतिका और वंशिका अवंशिक अवंतिका और वंशिता अवंतिका और वंशिता के बारे में कुछ बताया ही नहीं और एक्चुअल में मुझे नहीं पता यार इन दोनों में से किसकी हाइट क्या है कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है मुझे नहीं पता मैं बस इन्हें ऐसे अभी जानती हूं ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ नहीं बताती हूं और आपसे बोलती हूँ आंसर दो चलो तो क्या बोलोगे आप अरे मैम कुछ तो बताओ और मैं फोर्सफुली आपको बोलती हूँ नहीं नहीं आंसर दो बताओ क्या होगा किसकी हाइट बड़ी किसकी छोटी तो आप भी अब बहुत चालाक हैं आपने भी आंसर दे दिया जब मैम ने बोला तो आंसर तो देना पड़ेगा आप बोलेंगे मैम अवंतिका की हाइट वंशिका की हाइट से बस तीन ही चीज में कंपेयर हो सकती है मतलब अवंतिका की हाइट या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी वंशिका के ठीक है वंशिता के देखो मैंने लिख भी गलत दिया वंशिता के तो अवंतिका की हाइट या तो बड़ी या तो छोटी या बराबर होगी वंशिका के ओके okay? हाँ तो जब आपको रिलेशन पता होता है और जब आपको रिलेशन नहीं पता होता है फॉर एग्जाम्पल हाँ मैम वंशिता है वंशिका नहीं है वंशिका वंशिता वंशिका ही थी क्या

मैम जो काम कर रही हैं यार मतलब ये एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा इनिशिएटिव है कि एक ही वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को एक ही जगह पर सारा सब कुछ मिल रहा है मतलब मतलब एक एक तरीके से सारी मैम इसी में में पढ़ा दोगे हाँ, देख रहे हो मतलब एक ही वीडियो आपको सब कुछ मिल जा रहा है ऐसे ही मैथ्स का वीडियो भी आएगा ऐसे ही इंग्लिश का भी आएगा सो so ये इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है ताकि हम अब जब इस नए चैनल पर पहुंचे हैं तो यार बवाल काटना है हमें ठीक है और लाइक कितने ज्यादा हैं और लाइव इतने कम यही बनेगी बात अब एक बार शेयर कर कर दो यार मिस यू मैम बहुत दिन से क्लास नहीं कर रहे थे आप देख रहे हो ये सो सो के आते हैं ये वो है ये फ्लाइंग विजिट्स पे आते हैं कभी घूमते फिरते हमारे बच्चे ठीक है घूमते फिरते आते हैं राइट और बस आके बोल देते हैं क्लास नहीं ले रहे थे आप भाई मैं तो सुबह थी आप नहीं थे एक बार सारे बच्चे मिलकर शेयर कर देंगे मैंने भी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है आप लोग भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि क्लास में सारे बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और इस सेशन को ही नहीं बल्कि इस पूरी इस जर्नी को हमें यादगार बनाना है और इतना बेहतरीन इतना बढ़िया इतना खूबसूरत इसको बनाना है कि यहाँ से आप सारे के सारे बच्चे सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे ठीक है तो एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो यस सोना मैम इज द बेस्ट योर राइट योर राइट सो मैम आप कॉन्टिन्यू कीजिएगा so आपको प्लीज डू शेयर थैंक यू थैंक यू मैम ठीक है फिर आगे चलते हैं तो मैम ने तो बता दिया इसके बाद वन शॉट आपको इंग्लिश में भी मिलेगा मैथ्स में भी मिलेगा हर चीज़ में मिलेगा ठीक है सो बस चैनल पे बने रहना है आगे चलते हैं यार इस नाम ने आज मुझे बड़ा कंफ्यूज करा है मेरे तुमने कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मेरा ध्यान इन पे जा रहा था आप लोग कभी इस पर जाया होगा पर हम अब अवंतिका और वंचिता को कभी भूलेंगे नहीं है ना चलिए बहुत मैंने गलती कर दी मेरे से गलती हो गई इतने बड़े बड़े नाम ले लिए मैंने वो भी एक जैसे थोड़े चलिए कोई बात नहीं और मैम ने और कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे गलत लिख दिया यार नाम तो गलत नहीं लिख सकते हम ये तो वंचिता ही थी चलो अब कभी भूलेंगे नहीं हम वंचिता को ये वंचिता है ठीक है हाँ तो समझ में मतलब आई मतलब आइदर और कब बनता है एक तो जब हमें चीजें पता होती है मतलब रिलेशन जब बन रहा होता है और एक जब हमें चीजें पता नहीं होती है मतलब नो रिलेशन होता है ठीक है थैंक यू सो मच शिवी थैंक यू एवरीवन ठीक है चलिए हाँ अब थोड़ा और इसे आसान कर देती हूँ ठीक है वरना तुम्हारे दिमाग में तो अभी वंशिका वंशिता एंड अवंतिका ही घूम रही होगी चलो थोड़ा मैं इसे और सिंपल कर देती हूँ अब हम ए बी लेंगे बहुत हुआ ये तो फिर भी मैंने अच्छे नाम ले लिए मैं वो वाले नाम लेती ना जो खुद से बना लेते हो तुम लोग भाई साहब तुम लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते इधर देखिए रिलेशन अब देखो अगर मैंने बोला ए इज नॉट ग्रेटर देन बी तो आप आंसर दे सकते हैं मैम ए इज आई स्मॉलर और इक्वल टू बी अगर मैंने बोला ए और बी के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली पर आंसर तुम्हें देना पड़ेगा तो तुम बोलोगे अरे मैम ए या तो बड़ा होगा बी से ए या तो छोटा होगा बी से ए या फिर बराबर होगा बी के मतलब क्या भाई यूनिवर्स में तीन ही तो चीजें होती है वही होगा अब इसमें भी कुछ कुछ चीजें और हैं इंक्लूडेड बताऊंगी पर थोड़ा आगे चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट और थोड़ा चर्चा करते हैं चलिए अब डिफरेंस बिटवीन आइदर और एंड नॉर तो करेंगे लेकिन उससे पहले क्या आइदर और पूरी तरीके से सीखना है है ना और इसलिए एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से आइदर और सीखेंगे तो आते हैं इस क्वेश्चन पे ठीक है अब इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमें कहां से कहाल तक जाना है? P से L तक जाना है P से, P से L तक जाइए पी से एल के बीच में क्या सभी साइन वही बेसिक वाली चीज तो करनी है भाई वो मैंने बोला था ना पूरी इनिक्वालिटी में काम आएगी पहला स्टेप कहां से कहां तक पहुंच गए दूसरा स्टेप क्या सभी सिंबल एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं हाँ जी ये इधर 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 सभी डायरेक्शन में देख रहे हैं मतलब रिलेशन पॉसिबल तीसरा स्टेप क्या होता है प्रेफरेंस साइन विल यू प्रेफर पावरफुल साइन कौन सा है ये भी सी एम सी एन सी एम तो भाई आंसर में सीएम ही आ जाएंगे ना मतलब आपका आंसर क्या आएगा पी और एल के बीच में ग्रेटर देन और सीएम का सिंबल आ जाएगा ठीक है मतलब आंसर हमारा ये होगा बिल्कुल पक्का आंसर है जी लेकिन यहाँ पे दिया है पीएम इन्होंने बोला पी बड़ा है एल से हम बोलेंगे नहीं नहीं आंसर तो सीएम होगा यहाँ पे पी इक्वल दे रखा है हम बोलेंगे नहीं नहीं आंसर तो सीएम होगा पी बड़ा या बराबर होगा तो अब क्या करेंगे इसे नाइदन और कर देंगे नाइदन और करने से पहले हम देखेंगे कहीं आइदर और तो नहीं बन रहा अब आइदर और के लिए आपको फिर मैं तीन स्टेप बताने वाली हूं जैसे ही आप देखें कि दोनों कंक्लूजन अपने अपने में गलत हैं, आप उसी टाइम आ जाएंगे और याद करेंगे आप कुछ चीजें ठीक है तो सबसे पहले आइदर और का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है जल्दी से लिख लेंगे आइदर और के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है तो स्टेप वन क्या होती है बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली थोड़ा मैं इसे छोटा लिख देती हूँ ना ठीक है बोथ कंक्लूजन्स बोथ द कंक्लूजन्स शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली इसे पूरा लिख लेना अच्छे से जब क्यों आप नोट कर रहे होंगे मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया है बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली दोनों ही निष्कर्ष अपने अपने में गलत होने चाहिए स्टेप टू क्या होगा सॉरी स्टेप टू आपका होगा एलिमेंट्स एंड वेरिएबल्स एलिमेंट्स या फिर वेरिएबल्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम ठीक है एलिमेंट्स या फिर वेरिएबल्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेम मस्ट बी सेम सेम होने चाहिए दोनों निष्कर्ष के तत्व सेम होने चाहिए हिंदी में और स्टेप थ्री क्या होगा स्टेप थ्री अगर ये दोनों फॉलो हुए तभी स्टेप थ्री पे आएंगे आइदर और स्टेप थ्री में हम देखेंगे रिश्ता बन रहा है या रिश्ता नहीं बन रहा है अगर बाहर कॉरिडोर में कोई जा रहा है और मैं उसे नहीं देख पाई और मेरे से पूछा जाए बताइए वो आपसे भारी की हल्का तो क्या होगा भाई हम मैं मैंने उसे देखा नहीं और वेट पूछ लिया भाई बताइए वेट तो मैं क्या बोलूंगी यार या तो उसका वेट ज्यादा होगा या तो छोट तो, तो, कम होगा या तो बराबर होगा मेरे है ना तो यही चीज होगी और इसलिए अगर रिश्ता पता है आपको मतलब आइडर और में इफ यू नो द रिलेशन अगर आपको रिश्ता पता है ठीक है तो क्या होगा और जब आपको रिश्ता नहीं पता है तो क्या होगा जब आपको रिश्ता पता है तो वहां पे कुछ ऐसे आएगा देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ ऑल द साइंस प्रेजेंट इन योर कंक्लूजन लिख लेना जी क्या है देयर शुड बी द देखो यही गलती कर दी यहाँ पे कुछ बच्चों ने बोल दिया तीनों सिंबल नहीं अभी नहीं जब रिलेशन पता है तो आपको हमेशा याद रखना आपको दो सिंबल मिल रहे होंगे ठीक है दो कंक्लूजन में दो सिंबल मिल रहे होंगे ये बोल रहे हैं देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ ऑल द साइंस प्रेजेंट इन योर कंक्लूजन या फिर आप इसमें यह भी लिख सकते हैं देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ ऑल द साइंस प्रेजेंट इन योर कंक्लूजन देयर शुड बी आप समझ रहे हो मैं कहा की बात कर रही हूँ जो कंक्लूजन दे रखा है गिवन कंक्लूजन में गिवन इन गिवन कंक्लूजन गिवन कंक्लूजन में ठीक है इन गिवन कंक्लूजन वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए वो सभी सिंबल्स की जो हमारे आंसर में आए हैं अभी मैं अभी पी एल वाला बता दूंगी स्टेटमेंट वापस से ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा जैसे हमारे आंसर क्या आया था हमारा ये आया था ठीक है और हमें एक बार कंक्लूजन में क्या मिला पी बड़ा एल से और एक बार कंक्लूजन में क्या मिला पी बराबर एल के तो हमें हमारे हमारे आंसर के हमारा आंसर ये था ना हमारे आंसर के दोनों सिंबल मिलने चाहिए तो देखिए पी एक बार बड़ा था बड़ा भी मिल गया और पी एक बार बराबर बराबर भी मिल गया है ना ठीक है तो यहां पे ये चीज होनी चाहिए जब रिश्ता पता है आपको दो सिंबल मिल रहे होंगे जब रिश्ता नहीं पता तो क्या करेंगे देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ ऑल द साइंस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स मतलब यहां पे लिख लेंगे देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ ऑल द साइंस ठीक है, देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ ऑल द साइंस कौन से कौन से ग्रेटर ठीक है थोड़ा मैं इस साइड भी लिख लेती हूँ इतना समझ में आया अब जल्दी से ना एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ और एक और चीज इसमें नोट भी लिखवाना है मुझे नो रिलेशन में मुझे एक नोट भी लिखवाना है गाइस एक नोट भी लिखवाना है अब देखो अगर मैंने ये लिखा रहा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इज ग्रेटर देन इक्वल टू l तो p और l के बीच में अगर रिश्ता पूछा है ठीक है तो आप क्या देख रहे होगे आपने आइदर और कर दिया क्या कर दिया आइदर आइदर फर्स्ट और सेकंड कर दिया है ना लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट कुछ ऐसा हुआ कि p इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इज स्मॉलर देन इक्वल टू l अब p और l में निकालना पड़े और आपको दो चीज़ें दे रखी हैं एक बार दे रखा है पी इज ग्रेटर देन एल एक बार दे रखा है पी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एल ठीक है तो पी से एल तक गए ये इधर देख रहा है इसने इधर देखा यहाँ पे रिश्ता बन रहा था यहाँ पे रिश्ता नहीं बन रहा है जब रिश्ता नहीं बनेगा तो पावरफुल साइन रिश्ता नहीं बनेगा तो ये दोनों ही पहले ही गलत हो जाएंगे जैसे ये गलत हुए अब हम देखेंगे कि न इईदन और से पहले कहीं आइदर और तो नहीं है आइदर और के लिए क्या चाहिए पी और एल के बीच में हमें यहाँ पे क्या दिखा है यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्रेटर का साइन एक बार पी बड़ा है एक बार पी छोटा है और एक बार पी बराबर है एल के मतलब ये भी क्या हो गया आइदर और हो गया तो अब समझ में आ रही है चीज कि आइदर और दो कैटेगरी में हो सकता है एक जब रिश्ता बन रहा होता है और एक जब रिश्ता नहीं बन रहा होता है ठीक है अब इसमें नोट क्या है वो भी सुन लो कभी भी आपके ये जो इक्वल का साइन है वो इन दोनों सिंबल्स में किसी एक के साथ होना चाहिए यहाँ पे लिख लेंगे नोट इक्वल्स साइन मस्ट बी विद वन ऑफ दी गिवन साइंस ग्रेटर या फिर स्मॉलर कभी भी आप इक्वल दोनों जगह नहीं बना सकते तो ये इधर और नहीं होगा क्योंकि एक जगह आप बोल रहे होंगे कि इक्वल ये मतलब कि ये चीज सही है और एक दूसरी जगह आप बोल रहे हैं ये चीज गलत है आइधर और का मतलब एक अगर कंक्लूजन सही है पूरी तरीके से तो दूसरा पक्की तौर पे गलत होगा और इसलिए यहाँ पे ये आइदर और फ्लॉप हो जाएगा यहाँ पे न इधर और हो जाएगा हाँ आई होप ये समझ में आया होगा अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा देखो बच्चा

तो हमने बोला भाई स्टेप वन तो फॉलो हो गया स्टेप टू क्या होता है दोनों में ही एलिमेंट सेम होने चाहिए पी पी एल एल वो भी फॉलो हो गया तीसरा स्टेप क्या होता है अगर रिलेशन बन रहा है तो भाई रिश्ता तो बना था तभी आंसर आया था तभी मैं बता पाई अगर मैंने किसी को देखा या किसी से बातचीत की तभी बता पाऊंगी कि उसकी हाइट बड़ी कि कोई भी कंपेरिजन तो यहाँ पे पी के और एल के बीच का रिश्ता तो हमने पता लगा लिया तो हमारा जो आंसर आया है उसके दोनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए वहाँ मतलब पी एक बार बड़ा है एल से वो भी है और पी एक बार बराबर है एल के वो भी है में आई तो ये बन गया आइदर और लेकिन इसी के नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे आओ यहाँ पे आंसर क्या होगा यहाँ पे पी से तक 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 जाना है? पी से तक जाना है है पी पी से से एल एल बेसिक स्टार्ट करो गए ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है इसे पलटी मार दी रिश्ता हो गया नो रिलेशन का है ना नो रिलेशन जैसे ही हुआ आपने बोला भाई हम नहीं बता सकते पी बड़ा कि छोटा कुछ नहीं बता सकते क्योंकि रिश्ता दोस्त ने पलटी मार दी जी ये तो गलत ही हो गया लेकिन अब क्या करेंगे अब जैसी दोस्त हमारी पलटी हमने रिश्ता तो तोड़ दिया लेकिन अब हमारी निगाह गई कि ये दोनों ही कंक्लूजन अपने अपने में गलत है दोनों कंक्लूजन अपने अपने में गलत है और साथ में हमने देखा दोनों के एलिमेंट सेम है पीपीएलएल, एल तो तीसरी चीज क्या होनी चाहिए पहली स्टेप फॉलो हो गया आइदर और की दोनों बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली दूसरे स्टेप भी फॉलो हो गई आइदर और की एलिमेंट्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम और तीसरी चीज क्या होती है आइदर और की थर्ड वन इज कि भाई सारे सिंबल होने चाहिए यहाँ पे ग्रेटर भी स्मॉलर भी इक्वल भी शर्ते प्रोवाइडेड इक्वल का साइन ग्रेटर या स्मॉलर में से किसी एक के साथ होना चाहिए तो एक बार पी बड़ा है एल से एक बार पी छोटा है एल से और और एक बार बराबर है एल के लो सभी आ गए मतलब ये हो जाएगा और। लेकिन बच्चा अगर इसी में मैं ये कंक्लूजन कुछ ऐसे दे देती बहुत ध्यान से देखिएगा आज कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो क्या ये आइदर और होता तो क्या ये इधर और होता क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर वाह क्या बात है तो ये इधर और नहीं होता क्यों नहीं होता आप बोलते मैम पी और एल के बीच में पी और एल के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं बन रहा है तो हमें रिश्ता नहीं पता दोनों गलत अब हम क्या देखेंगे अब हम दूसरी चीज अब हम सोचेंगे यार ये कहीं आइदर और वाला केस तो नहीं है ना और करने से पहले आइदर और के लिए सबसे पहले क्या चीज होती है स्टेप वन बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली ये देखिए गलत है फॉलो हो गया दूसरा स्टेप एलिमेंट्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेम तो दोनों के एलिमेंट सेम है पी पी एल एल चलेगा तीसरी चीज क्या होती है तो थर्ड जो चीज होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज थर्ड चीज आपकी जब नो no रिलेशन बन रहा होता है तो तीसरी चीज आपकी होती है कि आपके पास तीनों सिंबल्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए मतलब एक बार बड़ा एक बार छोटा और इन दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल आना चाहिए यहाँ पे हमने देखा एक बार लिखा है p इज स्मॉलर देन l मतलब p छोटा है छोटा सिंबल मिल गया फिर हमने देखा फिर से इन्होंने यहाँ पे बोल दिया p इज स्मॉलर देन l फिर से हमें छोटा ही मिल गया और फिर हमें एक इक्वल का सिंबल दे दिया तीनों सिंबल तो नहीं मिले बस दो ही सिंबल मिले स्मॉलर का और इक्वल का ग्रेटर का नहीं मिला इसलिए ये आइदर और नहीं होगा बल्कि ये क्या हो जाएगा हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है आइदर और के ही करते हैं अभी हम चलिए ये वाला बताइए क्या होगा इसका आंसर डू इट फास्ट आई होप हो गया होगा आप लोगों का आंसर ओके okay, सभी आधर और बता रहे हैं जल्दी से देखते हैं आई से पी तक जाना है आई से पी तक जाइए पहले बेसिक चीज करते हैं दूसरा स्टेप होता है ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है दोस्त से मारी पल्टी रिश्ता टूट गया लो ये गलत हो गया ऐसे फिर से इन्होंने पी और आई के बारे में बोला पी से आई तक जाएंगे वो ही होगा ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है इन्हें पलटी मार दी दोस्तें मारी पलटी रिश्ता तोड़ दिया मतलब ये दोनों ही गलत हो गए पर जैसे ही दोनों कंक्लूजन गलत गए आपका दिमाग जाना चाहिए आइदर और तो नहीं तो आइदर और के लिए क्या करेंगे आप जैसे ही दोनों में गए दोनों गलत हुए आपका आइदर और का स्टेप पहला तो फॉलो हो गया बोथ द कंक्लूजन आर रॉन्ग सेकंड स्टेप क्या था बेटा आपका आपका स्टेप था कि एलिमेंट सेम होनी चाहिए आई आई पीपी ये भी फॉलो हो गया एलिमेंट्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन सेम थर्ड स्टेप आपका क्या होना चाहिए क्योंकि रिश्ता नहीं बन रहा था नो no रिलेशन का केस बन रहा था इट तीनों तीनों सिंबल होने चाहिए तो तीनों में एक बार आए बड़ा है पी से एक बार आए छोटा है पी से और एक बार आए बराबर है पी के तो क्या हो जाएगा तीसरा भी नो no रिलेशन में फॉलो हो गया आइधर और हो गया आइधर और हो गया समझ में आई बात नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करेंगे ये वाला परफॉर्म <स्याँग> देखते हैं डी से एन तक जाना है डी से एन तक जाइए डी से एन के बीच में इन दोनों को तो इग्नोर करेंगे पब्लिक है बचा एक ही सिंबल आ जाएगा क्या आ जाएगा आंसर डी इज ग्रेटर और इक्वल टू एन ये हमारा आंसर है जी रिलेशन तो बन रहा था इनके बीच में ये बोल रहे हैं डी बड़ा है इनसे पी एम बता रहे हैं हम बोलेंगे गलत डी इक्वल है इनके हम बोलेंगे गलत हमारा आंसर तो ये है ये मिलता तो सही करते राइट तब टिक करते उसे अब क्या करें दोनों गलत हो गए अपने अपने में अब हम बोलेंगे कहीं आइधर और तो नहीं चल रहा है आइधर और का स्टेप वन क्या था दोनों अपने अपने में गलत होने चाहिए सही बात हो गई ये तो फॉलो हो गया दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए डी डी एन एन स्टेप टू भी फॉलो हो गया और तीसरा स्टेप क्या होता है अगर रिलेशन बन रहा है मतलब अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है ना जैसे इनका आंसर आ रहा है ठीक है स्टेप तो मतलब एक बार डी तो ग्रेटर भी आ गया और डी इक्वल भी आ गया मतलब स्टेप थ्री भी फॉलो हो गया और इसलिए ये आईधर और हो गया रिलेशन वाले केस में और एक होता है नो रिलेशन अभी कभी भूलोगे कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले हो तुम तो आइर और है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है ये नॉर्मल इन है ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूं तो ये आप चलिए पहले ये वाला करके बताइए फटाफट क्या करेंगे ये मैं जल्दी से रिवीजन करा रही हूँ क्विक रिवीजन एक्स से बी तक जाना है एक से बी तक गए ये इधर देख रहा है इधर देख रहा है रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा जो अकेला है मतलब ये मतलब एक्स बड़ा होगा बी से बट यहाँ पे तो भाई बड़ा बराबर दे रखा है मतलब की सीएम दे रखे हैं पी एम होना चाहिए था गलत हो गया आर से एच तक जाना है आर से एच तक गए आर से एच के बीच में सभी की डायरेक्शन में देख रहे हैं रिश्ता तो बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा सी पी एम तो ये होगा पी एम मतलब आर छोटा होना चाहिए एच से यही दे रखा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो सीख गए लो सीख गए तुम लोग इन इक्वालिटी के दोनों टाइप्स है ना हाँ अब बात आती है और बड़ी इक्वेशन करने की अब स्टेटमेंट में अगर दो से ज्यादा मतलब कि तीन नहीं चार नहीं आ, यहाँ पे कितने चार हैं एक दो तीन चार चलो चार पांच वाला भी है डोंट वरी तो यहाँ पे दो से ज्यादा अगर आपके स्टेटमेंट होते हैं तो कैसे किया जाएगा अब एक तो सबसे आसान चीज है कि इसे अपने रफ शीट पे जल्दी से एक बना लो कैसे बनाएंगे इसे एक ए इज इक्वल टू बी किसी को भी पकड़ो ए इक्वल टू बी अब बी बी पे पहुंच जाओ बी का है बी छोटा है एफ से स्मॉलर देन एफ फिर एफ पे पहुंच जाओ एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी अब सी पे पहुंच जाओ सी इज स्मॉलर देन जी सी इज स्मॉलर देन जी ऐसे लिख लिया और फिर करते बैठो ये सारे एक सेकंड में हो जाएंगे है ना आ, एक सेकंड तो नहीं कुछ सेकंड दस सेकंड तो लगेंगे चार है ना क्योंकि हो तो जाएंगे लेकिन क्या ये लिखने की जरूरत है नहीं जरूरत नहीं है अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है तो आप क्या करेंगे यू विल डू वन थिंग आप डायरेक्ट यहां से करने की कोशिश करेंगे देखिए कैसे एफ से बी तक जाना है F से B तक जाना है यहाँ पे डायरेक्टली बता रखा है F बड़ा है B से ये दे रहे हैं F छोटा है B से यार स्टेटमेंट में शक नहीं करना स्टेटमेंट सत्य होती है ट्रुथ होती है तो फिर क्या हो जाएगा वो बोल रहे हैं F बड़ा है ये बोल रहे हैं छोटा है ये तो बिल्कुल गलत है जी F बड़ा है G से F बड़ा है G से F से जी तक जाना है तो पहले एफ से बी तक गए फिर बी को ढूंढो बी को ढूंढो बी से ए तक गए ए को ढूंढो ए को ढूंढो ये तो मिला ही नहीं पर एफ से हमें जी तक जाना था मतलब ये वाले के अलावा ये वाला इससे चलते हैं एफ से सी तक गए सी से जी तक पहुंच गए तो एफ से जब सी तक गए हमें बड़ा साइन मिला और सी से जब जी गए हमें छोटा साइन मिला मतलब सिंबल ने पलटी मार दी मारी तो 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 लेकिन 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 अब ये देख लेते हैं रिश्ता बन रहा है रिश्ता बन रहा है तो चलो ढूंढना पड़ेगा लेकिन रिश्ता नहीं बन रहा है तो हम बोलेंगे तुम गलत हो आंसर नहीं आएगा तो ए से बी गए इक्वल मिला इग्नोर करो बी से तो छोटा साइन मिला एफ से सी गए तो बड़ा साइन मिला छोटे के बाद बड़ा जब भी छोटे के बाद आपको जब बड़ा साइन मिल जाए ठीक है मतलब कि अगर स्मॉलर है और फिर गेटर का साइन मिल जाए तो क्या हो जाएगा हमेशा नो रिलेशन होगा याद रखना कॉमन साइन होना चाहिए रिलेशन के लिए तो ये क्या हो जाएगा आपका ये तो गलत है ये तो गलत है ए से जी के बीच का भी रिश्ता नहीं बता पाएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा और बचा ए से सी तो ए से बी गए बी से एफ गए एफ से सी गए ए से बी गए इक्वल इग्नोर करो बी से एफ गए छोटा साइन मिला एफ से सी गए बड़ा साइन मिला छोटे के बाद बड़ा मतलब रिश्ता टूट गया ऑपोजिट साइन मिलते ही नो रिलेशन हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा नन इज ट्रू आंसर हो जाएगा नन इज ट्रू मीन्स ऑप्शन बी ऑप्शन डी नहीं होगा गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे ये मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाली हूं ये आपका होमवर्क रहेगा ठीक है ये खुद करेंगे चलिए अब आ जाती है फिर से बारी बार बार तुम लोग को चाहिए होता है ना कि अभी हमने जो सीखा अब तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए यार एग्जाम में ऐसा आएगा कि नहीं देखो मेरे साथ तो ये बहुत होता था uh, अगर मैं कोई भी चीज़ में लगी हुई हूँ और अगर मैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूँ तो जब मुझे तब तक राहत नहीं मिलती थी जब तक मैं उसका प्रीवियस ईयर ना देख लूँ यार ऐसा आया भी था इज़ दिस टेस्ट सीरीज़ गुड और नॉट मतलब कि ये है मैं रिलाई कर सकती हूँ इस पर तो ये होनी भी चाहिए आप लोगों में बात तो इसलिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एंड आप कोई भी चीज सीख रहे हैं तो जल्दी से जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए एंड अभी आप इस सेशन के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे आप उसमें आंसर कर जाएंगे आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पे मैं भी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाई हूँ ऐसे हो तक जाना है Uh, एक बार आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं बट एक रिक्वेस्ट भाई मेरा भी मोटिवेशन बनता है एक बार तो लाइक कर देंगे और बिल्कुल दिल से करेंगे ठीक है एक तो लाइक कर देंगे सेशन को और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ये इनिशिएटिव अगर मैंने लिया है इस न्यू चैनल पे पढ़ाने का तो वो आपके लिए आपकी बेहतरी के लिए लिया है यहाँ पे हर चीज़ आपको फ्री मिलने वाली है आर के पर्पज से तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल कीप शेयरिंग द वीडियो एंड Uh, do like the session also. चलिए आया हुआ क्वेश्चन है आर आर के एग्जाम में आ, ये वाला आपके आईबीपीएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ऐसे टाइप का ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे होगा एस से हो तक जाना है पहला स्टेप एस से ओ तक जाइए एस से ओ के बीच में ये इधर देख रहा है ये भी इधर देख रहा है मतलब एक ही डायरेक्शन में सब देख रहे हैं रिश्ता बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा जी जो अकेला है मतलब ये मतलब एस बड़ा हो जाएगा ओ से यही है ना बिल्कुल सही नेक्स्ट पी से जी तक जाना है तो पी से जी तक चलते हैं पी से जी तक गए ये इधर देख रहा है इसने पलटी मारी इधर दोस्तें मारी पलटी रिश्ता टूट गया नो रिलेशन तो ये हो गया गलत आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कर पा रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करेंगे परफॉर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं समय नहीं देखने वाली हूँ भाई मुझे एक एक चीज़ सिखानी है आज आपको ये प्रण लिया है मैंने तो समय नहीं देखूँगी समय बढ़ता जाएगा आई नो मैं आई हूँ उस हिसाब से अपनी पीपीटी लेके सो डोंट वरी चलिए अब आते हैं इस पे टी से क्यू तक जाना है से क्यू तक गए टी से क्यू तक गए ये इधर देख रहा है ये भी इधर देख रहा है रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा जो अकेला है मतलब ये मतलब टी छोटा होगा क्यू से बिल्कुल सही टी से के तक जाना है टी से के तक जाइए सिमिलरली टी से के, के बीच में भी ये चीज बिल्कुल सही बैठेगी है ना बोथ फॉलो वेरी गुड आप समझ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद कर पा रहे हैं जल्दी से करेंगे ये वाला क्वेश्चन भी इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी है पर ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ फटाफट करेंगे तो बताइए अभी डेढ़ घंटा भी नहीं हुआ और आ हम भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने लगे हमने सीख भी ली तो बहुत अच्छी बात है ना चलिए वी से आज तक जाना है भाई वी यहाँ है एज दूसरे ग्रुप में है। वी अपनी बात कैसे पहुंचाएगा यही तो बताया था तो भाई एक कॉमन फ्रेंड ढूंढा जाएगा इधर भी इधर भी हमने देखा एम यहाँ भी है एम यहाँ भी है वी ने अपनी बात एम तक पहुँचाई एम ने एच तक पहुँचाई बट फिर ये देखेंगे भाई बातचीत है मतलब रिश्ता बन रहा है रिलेशन बनेगा इन लोगों के बीच में जब वी से एम तक गए तो ये इधर देख रहा है उसने पलटी मार दी पलटी मारी रिश्ता तो टूट गया आंसर तो आ ही नहीं पाएगा ऐसे ही एच से एम तक जाना है एच से एम तक अरे ये तो डायरेक्ट पहुँच गए हम एच से एम तक गए हमें दो सिंबल मिले एक सी एम का और एक हमारा पब्लिक यार पब्लिक को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं हम तो बचा क्या एक cm a ही तो सिंपल बचा है वो ही आंसर आ जाएगा मतलब h इज स्मॉलर देन और इक्वल टू m यही दे रखा है बिल्कुल सही ओनली कंफ्यूजन सेकंड आया हुआ क्वेश्चन है और आपने कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फटाफट करेंगे <laughs> आइए तो बी से एन तक जाना है बी से एन के बीच में एक ही रिश्ता दिया है इज आईधर ग्रेटर और इक्वल टू एन है ना बी बड़ा है या बराबर है एन के बट यहाँ पे दे रखा है बी छोटा है लो बिल्कुल गलत हो तुम तो, गलत दे रहा है आंसर एल से एच तक जाना है L से तक जाइए से के बीच में ये इधर देख रहा है इसने पलटी मार दी दोस्त ने हमारी पलटी हमने रिश्ता तोड़ दिया ठीक है और इसलिए क्या हो जाएगा ये न इधर फर्स्ट अब देखो आइधर और कब था जब दोनों प्रम्भ में गलत है पर दोनों के एलिमेंट भी सेम है और उसके बाद रिलेशन नो रिलेशन के लिए दो अलग अलग आइदर और लेकिन नाइदर और कब होता है जब और नहीं बनता, तब ही नाइदर और होता है कोई अलग से कोई रूल नहीं बताने वाली हूँ मैंने आपको बोला रूल बहुत कम रहेंगे मेरी क्लास में तो यहाँ पे नाइदर और कब होता है जब आइदर और नहीं बन पाता मतलब ही सेम नहीं है ठीक है तो ये नाइदर और हो जाएगा एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटाफट फड़ करेंगे आईबीपीएस एसबीआई आरआरबी या फिर कोई भी दुनिया का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर इनक्वालिटी पूछी जा रही है तो इस वीडियो के बाहर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यहां पे आते हैं अब हम आधर और भी सीख चुके हैं बेसिक वाली इनक्वालिटी भी सीख चुके हैं दो टाइप्स पे बेस्ड ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, है। से सी तक जाना है पीसीसी तक जाइए P से C के बीच में ये देखिए ये इधर देख रहा है इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है सभी के देख एक में रहे हैं कर दिया इग्नोर पावर मतलब रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा ये है पब्लिक सीएम सीएम पब्लिक सीएम 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 खड़े हैं घर के बाहर आपके और पब्लिक खड़ी है तो सीएम को एंट्री देंगे मतलब आंसर में सीएम आ जाएंगे मतलब पी सी मतलब कि ग्रेटर और इक्वल टू सी है ना ये बोल रहे हैं पी इक्वल है सी क्या बोलेंगे नहीं ये बोल रहे हैं बड़ा है सी से हम बोलेंगे नहीं अलग अलग नहीं हमें ये चाहिए होंगे न इधर पर उसी टाइम हम रुक जाएंगे यार एक बार चेक कर लेते हैं आधर और तो नहीं है आधर और में क्या होता है दोनों सबसे पहला स्टेप क्या होता और का? है कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली दोनों का है अपने अपने में दूसरा दूसरा रहता है एलिमेंट्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेम पी पी सी सी सेम हो गए और तीसरा क्या होता है दैट देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ ऑल द साइंस प्रेजेंट इन आवर कंक्लूजन मींस व्हाट हमारे कंक्लूजन हमारे जो कंक्लूजन में जो हमारा आंसर आया है उसके दोनों सिंबल यहाँ पे होने चाहिए मतलब एक बार पी बराबर सी वो भी है पी बड़ा है सी से वो भी है दोनों ही है मतलब आइदर और हो जाएगा ठीक है तो रिलेशन बन रहा था आइदर और हो जाएगा ये हो गया आइदर फर्स्ट और सेकेंड नेक्स्ट सो so, आप जल्दी से एक बार रुकेंगे और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे बैंकर्स अड्डा जहां पे बनेंगे देश के बैंकर्स ओके okay? तो इंडिया के इंडिया के हर एक गवर्नमेंट बैंक में आ, या फिर आप प्राइवेट बैंक की भी बात कर सकते हैं अगर बैंकर्स बनेंगे तो 2023 से 24 एक ऐसा साल रहने वाला है जहां पे बैंकर्स अड्डा से ही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैंकर्स बन निकलने वाले हैं डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट हमारे आने का पता आपको पहले ही चल जाए और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो तो वो भी मेरे से अगर बातचीत करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा ठीक है चलिए तो ये वाला भी प्रीवियस क्वेश्चन है फटाफट कर लीजिए एच से डब्ल्यू तक जाना है थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे एच से डब्लू तक गए सभी की डायरेक्शन में देख रहे हैं रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा जो अकेला है मतलब ये मतलब एच छोटा है डब्लू से बिल्कुल सही जी से एच तक जाना है जी से एच तक गए ये सभी एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं रिलेशन बन जाएगा और पावरफुल साइन कौन सा होगा जो अकेला है मतलब ये मतलब कि जी बड़ा है एच से ये बिल्कुल सही है आंसर क्या हो जाएगा अब आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन फॉलो मतलब ऑप्शन फाइव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू से डी तक जाना है क्यू से डी तक जाना है क्यू से डी तक जाइए ये सभी एक ही एक डायरेक्शन में देख रहे हैं मतलब रिश्ता तो बन जाएगा पावरफुल कौन सा होगा जो अकेला है मतलब कि ये सीएम है सीएम है पर ये पीएम मिल गए तो पीएम ही पावरफुल होते हैं क्यू छोटा हो जाएगा डी से बिल्कुल सही सी से ए तक जाना है सी से ए तक जाना है ये इधर देख रहे हैं ये इधर देख रहे हैं और इन्होंने मार दी पलटी दोस्त ने मारी पलटी हमने तोड़ा रिश्ता मतलब क्या हो जाएगा नो no रिलेशन का केस और इसलिए यहां पे हो जाएगा ये गलत आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो नेक्स्ट जल्दी करेंगे परफॉर्म एस से बी तक जाना है एस से बी तक गए एस सी बी के बीच में ये इधर देख रहे हैं इन्होंने पल्टी मार दी दो से मारी पलटी रिश्ता टूट गया एफ सी ई तक जाना है एफ से ई तक गए एफ से ई के बीच में इधर देख रहे हैं इधर देख रहे हैं इन्हें पल्टी मार दी दो से मारी पलटी रिश्ता टूट गया ठीक है अब एक बार आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं ये आइदर तो नहीं बन रहा नाइदर तो ये जरूर बन रहा है पर जब हमने देखा आइदर की कोई संभावना नहीं दिख रही है एस बराबर नहीं है मतलब कि ये जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है इसलिए ये नाइदर और हो जाएगा बिल्कुल सही सभी का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम थोड़ा सा चलेंगे और आगे ठीक है तो अभी हम आ गए हैं यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे ठीक है मैंने इसमें और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए रख रखे हैं आप पीडीएफ जब देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है वो सारे अब आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ आप थोड़े बहुत आपको भी देने पड़ेंगे मुझे तो वो मतलब आप जब खुद से करेंगे अप्लाई करेंगे चीज़ों को तो और ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इस टाइप का तो जल्दी से देख लेते हैं इसे ऐसा वी तक जाना है

दो सिंबल्स मिल रहे होते हैं पर जब रिश्ता नहीं बन रहा होता है, तो हमें तीन सिंबल मिल रहे होते हैं बड़ा छोटा और बराबर यहाँ पे हमारा अगर आप देखेंगे यहां पे तो यहाँ पे नो no रिलेशन है कोई रिश्ता नहीं बता एस और वी के बारे में तो तीनों सिंबल चाहिए था ना मतलब एस और वी दोनों ही अपने अपने में गलत है पहला स्टेप तो फॉलो हो गया इधर और का दूसरा स्टेप होता है एलिमेंट सेम होने चाहिए वो भी हो गया एस एस वी वी और तीसरा क्या होता है तीसरा होता है अगर रिश्ता बन रहा है रिश्ता तो नहीं बन रहा तो अगर रिश्ता नहीं बन रहा है मतलब कि नो रिलेशन का केस है तो तीनों सिंबल्स चाहिए बट यहाँ पे हमें सिर्फ दो सिंबल मिल रहे हैं ग्रेटर और इक्वल इट मींस इट इज नॉट एन आइदर और केस गाइस इट विल बी अ नाइदर अर केस वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन जल्दी से करेंगे परफॉर्म मैम ऐसे ही ब्लड रिलेशन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और पजल्स पर भी वन शॉट लीजिए यस मानसी ज़रूर ज़रूर वो लेने वाले हैं सारा प्लान्ड है इस चैनल पे जो हर एक एक्टिविटी है वो सारी प्लान कर रखी है हमने ठीक है एग्जाम्स से पहले ही सब चीज़ आप तक तो प्रोवाइड की जाए कर दी जाएगी एम से ई तक जाना है एम से ई तक गए एम से ई के बीच में ये इधर देख रहे हैं इन्होंने पलटी मार दी मतलब रिश्ता टूट गया ए से के तक जाना है ए से के तक गए ये इधर देख रहे हैं इधर देख रहे हैं इन्होंने पलटी मार दी फिर रिश्ता टूट गया आंसर क्या आया ना इधर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो बिल्कुल सही अब आप सीख गए अब मैं संतुष्ट हो चुकी हूँ कि आप लोग सीख गए भाई हमारी जो डेढ़ घंटे की मेहनत है वो काम आई हमने दो टाइप तो सीख ही लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर डाले ठीक है अब भाई थोड़ा और आगे अब मेन्स की बारी है प्री तो हमारा हो गया आइदर और भी सीख गए हमने मोर देन टू स्टेटमेंट वाले भी कर लिए चार स्टेटमेंट वाले भी कर लिए हमने चार कंक्लूजन वाले भी कर लिए हमने आइदर और भी कर लिया न आधर नौर भी कर लिया उन पर प्रैक्टिस भी कर ली कहाँ फंस रहे हैं वो वाले क्वेश्चन भी देख रही है इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको पी के एग्ज़ाम में ये मेरी गारंटी है तो आप जब एग्जाम जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता चलेगा इस वीडियो का क्या आ, मोटिव था और कैसे ये सफल होगी ठीक है आपकी तैयारी में आपको कैसे ये हेल्प करती है आपको पता चलेगा ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बना लेंगे वैसे तो कर ही लेते हैं यार कर ही लेते हैं बी से ई तक गए बी से ई तक गए सभी के राशन में देख रहे रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा जो अकेला है मतलब बी छोटा होगा ई से बिल्कुल सही ए से एम तक गए ए से एम के बीच में भाई ये इधर देख रहे हैं इन्होंने पलटी मार दी मतलब नो रिलेशन मतलब ये गलत आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट ठीक है तो ये हमारी हुई समाप्त प्री की तैयारी नाउ इज द टाइम कि अब हम करें मीन्स की तैयारी ठीक है तो मेंस के लिए मैं लेके आ गई मोर देन टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस फिर से थोड़ी अब इसकी भी प्रैक्टिस कर ले तीन क्वेश्चन इसके करते हैं दो तीन क्वेश्चन और फिर हम आ जाएंगे मिसिंग वाली पे ठीक है या फिर इन द ब्लैंक्स वाली पे यहाँ पे आइएगा यहाँ पे वन सी टू के आधार पे दे रखा है बी से सी तक जाना है सेम वही चीज लगेगी यहाँ पे आपका बी से सी तक जाना है बी को पकड़िए पहले बी से डी तक गए डी से सी तक गए यही तो करेंगे बी से डी गए बड़ा साइन मिला डी से सी गए फिर बड़ा साइन मिला रिश्ता तो बन गया पावरफुल साइन कौन सा भाई पीएम ही तो होंगे मतलब कि ग्रेटर का साइन ही होगा मतलब बी ग्रेटर हो जाएगा लास्ट में क्या है सी से यही दे रखा है बिल्कुल सही जी ए से सी ए से डी तक जाना है कैसे जाएंगे ए <coughs> से पहले e तक गए e से बी तक गए बी से डी तक पहुंच गए है ना ढूंढा करो पहले ए से e, फिर e, को e से B, फिर B को ढूंढो ई से बी फिर e को ढूंढो e बी से बी गए बड़ा साइन मिला ठीक है फिर बी से डी गए फिर बड़ा साइन मिला मतलब रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा जो अकेला है मतलब कि बड़ा तो क्या हो जाएगा ए बड़ा हो जाएगा लास्ट वाले डी से ए यहाँ पे छोटा दे रखा है इसलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही है ये हो जाएगा गलत आंसर हो जाएगा ओनली सी वन फॉलोर्स अब देखिए कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी जब आप करोगे ना क्वेश्चन तो आपको कुछ कुछ मे बी अगर आप बिगनर हो तो आपको मे बी प्रॉब्लम आए कि यार हम कैसे देख के कर लें तो मैं बोलूँगी आप एक सिंपल लाइन में लिख के कर लेना स्टार्टिंग आप वैसे कर सकते हो मैंने भी अपनी शुरुआत वैसे ही की थी मैं भी कोई ऐसे बहुत जल्दी मशीन की तरह मैं जल्दी से बता नहीं पा रही थी कि भाई बी और इसमें क्या रिश्ता है मैं बस देख के बता दूँगा इट टेक्स टाइम ये आपको प्रैक्टिस से ये हैबिट बनेगी आपकी तो पहले आप एक सिंपल स्टेटमेंट को एक बना के फिर कंक्लूड कर सकते हैं धीरे धीरे जब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप इसमें भी कंफर्टेबल हो जाएंगे ओके okay? चलिए अब आ गए हम चार स्टेटमेंट पे ये लीजिए जल्दी से करेंगे परफॉर्म पी से आई तक जाना है कैसे जाएंगे और यहाँ ठीक है अब कहां पे आए तक बात कि यहाँ है आए एक यहाँ भी है अब इन दोनों में अगर मैंने देखा तो मैंने देखा भी यहाँ पे तो कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे ए यार पी तो बराबर है एक के मतलब पी से ए तक गए और फिर ए से आए तक पहुंच गए पी इक्वल लिखा है मतलब इग्नोर करेंगे इक्वल और ए से आई के बीच में क्या आएगा ये इधर देख रहा है ये भी देख रहा है रिश्ता तो बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा होगा जो अकेला है मतलब ये मतलब ए स्मॉलर छोटा होगा आई से है ना ए बोल लो पी बोल लो पी पी से स्टार्टिंग की थी पी छोटा होगा आई से यही दे रखा है बिल्कुल सही अब जी से बी तक जाना है तो जी से बी वाला आप बताएंगे हम्म जी से बी वाला आप बताएंगे जी बड़ा होगा बी से बोथ सी यार डिफरेंट आंसर दे रहे हो आप लोगों के okay, कोई बात नहीं <coughs> चलो ये तो सही हो गया जी से बी तक जाना है कैसे जाएं जी से आई तक जाएंगे आई से एच तक जाएंगे एच से बी तक पहुंच गए अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा अभी मैंने तो ऐसे कर दिया प्रैक्टिस की वजह से पर मे भी आपको टाइम लगे तो कोई बात नहीं इट इट विल टेक टाइम लेने दो टाइम ठीक चलो एच से जब बी गए स्टार्टिंग कहाँ से करनी थी हमें जी से ठीक है सॉरी जी से स्टार्ट करने था जी से हमें बी तक जाना था तो जी से जब आए तक गए हमें बड़ा साइन मिला आई से एच तक गए फिर हमें बड़ा साइन मिला और एच से बी तक गए फिर हमें बड़ा साइन मिला मतलब रिश्ता तो बन जाएगा पावर अब पावरफुल साइन की बारी है प्रेफरेंस किसे देंगे हमने पूरी लाइन में देखा सी एम ही दे रखे हैं मतलब सी एम ही आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी इज गेटर देन और इक्वल टू लास्ट में क्या है बी मतलब जी इज आई द गेटर इक्वल टू बी बट यहाँ पे तो दे रखा है ग्रेटर देन ये बिल्कुल गलत है इसलिए आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो मीन्स ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओके सो हैव ओनली सी वर करेक्ट नेक्स्ट ठीक है अब आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे अब चलते हैं हम डेफिनेटली फॉल्स डेफिनेटली फॉलो इन सब वाली इनइक्वालिटी पे ठीक है In which of these expressions, अब ये हम कर रहे हैं टाइप फोर ठीक है इसके बाद में आपको कोडेड इन इक्वालिटी कराऊंगी यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने आपको ऑप्शंस uh, देख के पता लगाना है कौन सा सही है स्टेटमेंट कौन सा गलत है आपको यहाँ पे कंक्लूजन दे रखा है इसे लोग रिवर्स भी कह देते हैं रिवर्स इन इक्वालिटी मैं इसको कोई नाम नहीं दूंगी मैं नहीं चाहती कि बहुत सारे नाम दे मैं आपको uh, uh, बहुत टफ दिखाऊँ चीजों को जबकि वो इतनी टफ है नहीं वो ईजी है तो देखने का नजरिया बदलिए ओके और जहाँ स्ट्रेस लेके तो बिल्कुल काम आपको नहीं करना है ये बात का ध्यान रखिए इन्होंने बोला इन विच ऑफ एक्सप्रेशन यू इज ग्रेटर u इज ग्रेटर देन w? बी डेफिनेटली फॉल्स पक्की तौर पे गलत होगा u बड़ा है w से ये चीज पक्की तौर पे गलत होगी बताइए कौन सी स्टेटमेंट में कब गलत होगी ये चीज जब हमें किसी स्टेटमेंट में मिल जाएगा इसका विपरीत मतलब अगर मुझे मिल गया यू छोटा है डब्लू से या फिर अगर मिल गया यू इक्वल है डब्लू के तो ये बात गलत हो जाएगी है ना डेफिनेटली फॉल्स बताना है U इज ग्रेटर देन W डेफिनेटली फॉल्स कौन से एक्सप्रेशन में होगी देखो बच्चों जब U से W तक हम यहाँ गए तो ये सभी एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं रिश्ता बन गया पावरफुल साइन कौन सा पीएम पीएम सी एम पब्लिक में किसे करेंगे PM को मतलब यह, मतलब ये यहाँ पे हमें मिल रहा है यू इज ग्रेटर तो ये बात सत्य साबित हो रही है मतलब ये आंसर नहीं होगा यहाँ पे दो स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दे रखी है हमें जाना था U से W अब आप चाहे तो इस स्टेटमेंट इन दोनों स्टेटमेंट को एक बना सकते हैं अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी आप की बिगनिंग हुई है इसे एक भी बना सकते हैं मतलब कि T और T को जोड़ सकते हैं कैसे मैंने इस पूरी स्टेटमेंट को यहाँ लिख दिया P स्मॉलर देन A स्मॉलर देन और इक्वल टू U स्मॉलर देन इक्वल टू T अब इस T पे पहुंच जाओ T छोटा है O से T इज स्मॉलर देन O O इज स्मॉलर देन और इक्वल टू W ये स्टेटमेंट है आपकी कहाँ से U से W तक जाना था U से W तक जाइए सब एक ही रिएक्शन में देख रहे हैं रिश्ता बन जाएगा पावुल साइन कौन सा जो अकेला है मतलब ये मतलब u इज स्मॉलर देन w क्या आ रहा है यहाँ से यहाँ से आ रहा है u तो छोटा है w से अरे मतलब ये स्टेटमेंट बता रही है u की हाइट छोटी है w से और इन्होंने बोला था इसे पक्की तौर पे गलत साबित करके दिखाओ हमने कर दिया आंसर क्या होगा ओनली बी तो आंसर हो गया ओनली बी आई होप यू आर गेटिंग इट ठीक है गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन ओके कम ऑन एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए मेरी नहीं हुई तो आपकी भी नहीं होनी चाहिए ओके okay? एंड मैं अभी से नहीं मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ आप सभी को पता है नौ बजे भी यहाँ पे क्लास होती है सुबह तो सुबह नौ से दस पढ़ाया है और फिर उसके बाद भी पढ़ाया और फिर फिर से पढ़ा रही हूँ सो so, जब मेरे अंदर थकान नहीं है तो आपके अंदर क्यों मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है आपको देना है तो आपके अंदर तो होनी चाहिए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर मैं बताऊँगी

कि पक्के तौर पे ट्रू कौन सा है पक्के तौर पे ट्रू कौन सा है दे आर सेइंग दिस इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बता रहा है ये और ये जिसमें दोनों ही फॉलो कर रहे हैं वो भी डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं क्या करेंगे एल इक्वल्स टू टी पहले पता लगाना है देखो एक बात याद रखना इसमें थोड़ा सा मैं एक और ऑप्शन लाऊंगी ठीक है एक और ऑप्शन लाऊंगी नन ऑफ दीज ठीक है नन ऑफ दीज ये ये क्लास और कितने टाइम तक चलेगी तो ये क्लास तब तक चलेगी जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा आज इसका खात्मा करके जाएंगे ओके okay? क्योंकि इन वन शॉट है ये इस वीडियो वीडियो के के बाद आपको के लिए कभी किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा कहीं नहीं जाना पड़ेगा बस प्रैक्टिस करनी होगी वो भी धीरे 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 मे बी स्टार्टिंग में आपको डाउट्स आए बट धीरे धीरे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को एक से दो बार जरूर देखिएगा यहाँ पे आते हैं हाँ तो यहाँ पे अगर देखें तो l इज इक्वल टू टी कहाँ सही दिख रहा है मुझे भाई इक्वल तो तभी होता है जब लाइन में सभी अरे आपके घर के बाहर अगर लाइन में सभी पब्लिक है तो पब्लिक कोई तो एंट्री मिलेगी ना तो यही तो है मतलब l इज इक्वल टू टी एल इक्वल टी के तब होगा जब पूरी लाइन में l से t के बीच में इक्वल दिया हो यहाँ पे हमने देखा ये टी है और यहाँ पे तो भाई एल ही गायब है तो इसे तो हटाई दीजिए इससे तो बता ही नहीं सकते यहाँ पे एल और टी के बीच में न जाने कितने सिंबल्स दे रखे हैं एल इक्वल टू टी कभी नहीं होगा ये भी हटाइए यहाँ पे भी एल और टी के बीच में अलग अलग सिंबल्स हैं इक्वल होने चाहिए थे सारे तो ये भी यहाँ से भी ये चीज डेफिनेटली ट्रू नहीं होगी बट यहाँ पे हमने देखा तो एल बराबर दे रखा है टी के ठीक है तो हमेशा याद रखना क्योंकि इनक्वालिटीज मैथमेटिक्स से ही आया है ठीक है से भी इसका एक बहुत बड़ा रिश्ता है आप सभी ने क्वाड्रेटिक पढ़ी होगी लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होगी और इसलिए ये जो इनक्वालिटीज है ना इसमें अगर स्टेटमेंट में लिख रखा है कि इज़ इक्वल टू टी और कंक्लूजन में इज़ इक्वल टू टी दिया है तो आप उसे सही करेंगे अगर एक क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है स्टेटमेंट में एल इज ग्रेटर और नीचे कंक्लूजन में दिया होता है एल इज ग्रेटर तो भी वो सही जाता अब आप बोलते मैम ये तो कॉपी पेस्ट हो गया ये तो सेम चीज लिख दी गई है जो स्टेटमेंट में है तो मेरा आंसर क्या होगा क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स की बात कर रहे होते हैं तो अगर वहाँ पे कंक्लूजन में आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन दे दी गई है क्योंकि इक्वेशन में बात हो रही है तो वो इक्वेशन मतलब कि अगर उन्होंने बोला है ऊपर एल बड़ा है टी से तो वो कंक्लूजन में चाहे वो सेम दिया हो वो सही ही होगा उसे हम उसके लिए हम कोई आ, हमारी थॉट प्रोसेस को यूज नहीं कर रहे हैं वो एज यूजल वो सेम रहेगी बात ठीक है ठीक हाँ तो सिलॉग्स में क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सिलॉग्स को लेके थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं बट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ इनक्वालिटीज़ में इफ़ यू आर गेटिंग सेम कंक्लूजन ठीक है एज गिवन इन द स्टेटमेंट सेम चीज़ आपको जो स्टेटमेंट में दी गई है वो ही कंक्लूजन में मिल रही है तो आप उसे हमेशा सही करेंगे गलत नहीं करेंगे नेक्स्ट तो यहाँ पे l equal to t तो मिल गया ये तो ट्रू है ये तो डेफिनेटली ट्रू है इस वाली इक्वेशन में अब e बड़ा या बराबर w भी चाहिए तो e is greater than or equal to w भी दिख रहा है तो ये भी सही है मतलब ऑप्शन d सही हो जाएगा ये लो आपका ये मेंस का क्वेश्चन है भाई गाइस इन व्हिच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस i is greater than k b definitely false <laughs> पक्की तौर पे गलत होंगे तो चलिए i से k तक चलते हैं अब ये पक्के तौर पे ये गलत कब होगा जब हमें आय और के के बारे में पता चले कि आय या तो छोटा है या आय बराबर है के के है ना तो चलिए वही देखते हैं आय से जब मैं यहाँ पे के तक गई तो मुझे यहाँ पे आंसर मिला आई इज ग्रेटर देन के तो भाई ये तो ये तो यही तो बात कह रहा है ये गलत साबित नहीं कर रहा इसे ये नहीं होगा आंसर अगर इन दोनों को जोड़ा जाए ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इफ एम नॉट रॉन्ग है ना ये था इसका आंसर ओके okay? ये हम कर चुके हैं सॉरी रिपीटिंग रिपीटेड क्वेश्चन था चलो अब ये बताएंगे हाँ अब ये आई मिसिंग सिम्बल्स की बात मिसिंग इन इक्वालिटी की बात ठीक है तो ये भी हमारा टाइप था मिसिंग इन इक्वालिटी ये रहा आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा इस जगह पे जल्दी से देखेंगे चलिए थोड़ा सा मैं हेल्प करती हूँ which of the following symbols should be placed in the blank spaces respectively in the same order from left to right in order to complete the given expression in such a manner that both b is greater than s as well as e is smaller than or equal to f s definitely holds true okay tabul dia Inhone inone bola Bhai, in mesekonsa a uh, conclusion hoga disa diske symbols koma और हमारा ये जो स्टेटमेंट है ना ये दो चीजें बता दे कि पक्की तौर पे सही है कौन सी एक बोल दे ई छोटा या बराबर है बी से एस तक जाना है बी से एस तक जाना है मतलब बी और एस के बीच में रिलेशन हमें चाहिए कि बी बड़ा आ जाए ओके मतलब हमें स्टार्टिंग के दो सिंबल्स बहुत मतलब लगने वाले हैं ये दोनों ठीक है b बड़ा है इससे ओके और दूसरी चीज क्या चाहिए e छोटा या बराबर है f के मतलब यहां से यहां तक के सिंबल्स भी चाहिए छोटा या बराबर अब यहाँ पे अगर मैंने स्टार्टिंग के दो सिंबल्स की बात करूँ तो मुझे कुछ चीजें ना सेम सेम दिख रही हैं मैं बोलूंगी यार इससे नहीं करते एलिमिनेट ऑप्शन पीछे वाले सिंबल्स को लेते हैं तो यहां पे इस पूरे को मेरे को यहाँ पे रखना है मिसिंग जो प्लेसेस हैं वहाँ वो रखने की बजाय मैं क्या करूँगी मैं अभी बस ये चीज़ ये चीज़ प्रूफ करती हूँ एक चीज़ को पकड़ लो e छोटा या बराबर f तो e और f को पकड़ लिया मतलब लास्ट से ये वाला लास्ट सेकेंड और लास्ट थर्ड सिंबल हमें चाहिए कौन सा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सिंबल ठीक है यहाँ पे e और एफ में क्या रिश्ता आएगा इक्वल है और ये स्मॉलर है तो रिश्ता क्या आएगा ई e और एफ यहाँ पे अगर मैंने इक्वल रखा और यहाँ पे स्मॉलर रखा तो क्या आ जाएगा रिश्ता e छोटा हो जाएगा ईफ से हमें क्या चाहिए छोटा या बराबर तो ये तो नहीं दे रहा दूसरा यहाँ पे तो रिश्ता बन ही नहीं रहा है नो no रिलेशन आ गया ये तो नो no रिलेशन है जब नो no रिलेशन है जब रिश्ता ही नहीं बता पा रहे तो कैसे बताएंगे कि डेफिनेटली ट्रू है ये तो बोलेंगे ये भी गलत है यहाँ पे यहाँ पे भी ये पलटी मार दी ये इधर देख रहा है इधर देख रहा है ये फिर से नो रिलेशन हो गया कैसे बता देंगे ये भी गलत है यार अगर कोई चीज़ वो बोल रहे हैं कि डेफिनेटली ट्रू है ये तुम्हें साबित करनी है तो स्टेटमेंट में वो रिलेशन भी तो बनना चाहिए तभी तो बताएंगे थैंक यू करण मैं आप बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एवरी फॉर सच अ लवली कॉमेंट्स आगे देखिए लास्ट इक्वल और स्मॉलर देन और इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे अब यार यहाँ पे अगर मैं इक्वल रख दूँ और यहाँ पे स्मॉलर देन और इक्वल टू रख दूँ तो ये है p पब्लिक और ये है cm तो cm ही आएंगे तो क्या हो जाएगा e स्मॉलर देन और इक्वल टू f ये ही प्रूफ करना था ये ट्रू हो गया इस वाले इक्वेशन में ये वाली चीज ट्रू हो गई कौन सी वाली एस सी तो, तो स्टार्टिंग के ये दो सिंबल्स ढूंढते हैं क्या है ग्रेटर और इक्वल ग्रेटर और ये इक्वल बी और s के बीच में इसे तो हम इग्नोर करेंगे बचा एक ही साइन यहाँ पे एक और चीज ट्रू साबित हो गई क्या कि b बड़ा है से ये दोनों चीज यहाँ पे ट्रू होल्ड होती है इसलिए ये आंसर हो जाएगा डी इज एप्सोल्यूटली करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैम पी कैसे मिलेगा

ठीक है जितना भी इस वीडियो में पढ़ाऊंगी उसके बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा ठीक चलिए क्लास दोपहर दो बजे से चल रही है हर मंडे होती है वैसे डेली बेसिस पे मेरी क्लास बैंका अड्डा के यूट्यूब चैनल पे बारह बजे रीजनिंग रील्स के नाम पे एक प्रैक्टिस सेशन होता है जो कल से शुरू हो रहा है और रोज सुबह एक प्रैक्टिस सेशन होता है एक घंटे का सुबह नौ से दस बजे आप सभी ज्वाइन कीजिएगा पर उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को नेक्स्ट आपको एक कोडिंग दी जाएगी आपको स्टेटमेंट में डिकोड करते हुए आप लिखेंगे. फिर आप कंक्लूजन में देखेंगे कौन सा सही कौन सा गलत और फिर नीचे आके इन पांच ऑप्शन में से सही करेंगे कि भाई आंसर क्या होगा लेकिन 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 हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम इतना बड़ा करना ही नहीं है तो अब क्या करेंगे हम हम सीखेंगे इसको करने का के लिए एक मैजिक बॉक्स पर उससे भी पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है ठीक है एक तो मैं आपको ये बात बता दूं आपको पता होना चाहिए आपको क्या चीज नहीं करनी है जैसे कि अगर कोई भी आपको कोई भी आपको ये वाले सिंपल इनिक्वालिटी जो हमने की है उसमें कोई भी आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस कराया हो करा रहा हो या फिर बोलो इज नॉट इक्वल टू वाले करेंगे इज नॉट इक्वल टू वाले करेंगे तो प्लीज प्लीज मत करना क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में अभी तक अभी तक कोई भी इन ये वाली नहीं पूछी गई है सो so, बेटर होगा वो चीज़ ना की जाए जिसकी चांसेस नहीं है आने की तो बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में ये सालों से आप लोगों को बताया जा रहा होगा आ, मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं बहुत रहती हूं अपने सिलेबस को तो प्लीज ये भी कोई जरूरत नहीं है ठीक विद्वाना वनना यार एग्जाम क्रैक करना है चलिए अब कोरियर इक्वालिटी से पहले मैंने अगर आपको बोला यहाँ पे फिर से मेरे को वंचिता का इनाम दिख गया पर मैं अब किसी और कर लूंगी हाँ नेंसी मैं आपकी रील्स नहीं आएगी बहुत जल्दी कल आएगी कल दोपहर बारह बजे ना नैन्सी तो रोज दोपहर बारह बजे आपको मिलेगी जो आपको रील्स देखने में मजा तो बहुत आता है बट अगर मैं मैं आ जाऊँ आपको रील्स में मैं मिल जाऊँ तो और ज्यादा मजा आएगा और ये है रीजनिंग रील्स विद सोना शर्मा विद लिखा है जिसमें आपका भी पार्टिसिपेशन होगा मेरा भी पार्टिसिपेशन होगा क्या होगा कैसे होगा दोपहर बारह बजे देखना होगा सब आएंगे ट्रेन यह और यहाँ पे आपकी फाउंडेशन बन रही होगी प्री और मीन्स एग्जाम की ओके okay? अगर मैंने यहाँ पे बोला नैन्सी की हाइट बड़ी नहीं है स्वीटी से नैंसी की हाइट बड़ी नहीं है स्वीटी से तो एक बात बताओ जी कितने सही मैंने छोटे छोटे नाम ले लिए इस बार मैं बड़ी उसमें फंसी थी चलिए तो अब 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 आप इसका क्या तात्पर्य निकालेंगे अगर मैंने बोला हाइट बड़ी नहीं है मैं बोलूंगी आंसर दो तो क्या दोगे आप आप बोलोगे मैम सुनिए बड़े बड़े आप टशन में बोलोगे मैम मैंसी की हाइट या तो छोटी या फिर बराबर है स्वीटी के यही बोलेंगे ना या तो छोटी या बराबर है लिख लीजिए आंसर सही होगा बिल्कुल सही होगा क्योंकि बड़ी नहीं है तो दो ही तो चीजें बची छोटी या बराबर ऐसे अगर मैं ये बोलती कि नैन्सी की हाइट छोटी नहीं है तो आप क्या बोलते हैं अच्छा मतलब बड़ी है या बराबर और अगर मैं बोलती नैन्सी की हाइट इक्वल नहीं है स्वीटी के तो क्या बोलते हैं आप या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी ठीक है तो चलिए फिर वैसे ये वाला मिलता नहीं है कोडिंग में कोडिंग इनक्वालिटीज में बट हमने ये चीज सीख ली अब अगर मैंने आपको बोला कि की हाइट या फिर नेंसी के वेट पे आ जाते हैं अब नेंसी का वेट ज्यादा या फिर बराबर नहीं है स्वीटी के ज्यादा भी नहीं है और ना ही बराबर है स्वीटी के मतलब नेंसी का जो वेट होगा वो कम होगा स्वीटी से समझ में आई बात मतलब इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इट मींस ए इज स्मॉलर देन बी डेफिनेटली ट्रू हम्म चलिए कल तो और मजा आएगा रील्स देखने में बिल्कुल सही रजनीश बिल्कुल सही चलिए बड़ा मजा आ रहा है मुझे ठीक है मेहनत करने में आपको भी आना चाहिए जिस दिन मेहनत करने में मजा आने लगा उस दिन समझ लो फिर तो एग्जाम नहीं रुक सकता फिर तो सब चीज क्लियर हो जाती है इधर आते हैं अब इधर आने से पहले हमें सीखना पड़ेगा मैजिक बॉक्स मतलब ये जो चीजें हैं ये एक मैजिक बॉक्स एक जादुई डब्बा मेरे को बच्चे बोलते हैं है, मैम सोनपरी मैम ले आई जादुई डब्बा अपनी स्टिक के साथ मैजिक स्टिक के साथ तो वही मान लो पर वो जादुई डब्बा मैं आपको जब दूंगी और ये बहुत सालों से ये डब्बा सब जानते हैं आप भी जानेंगे और आपका भी किस्मत खुल जाएगी तो चलिए आइए इस जादुई डब्बे की ओर ये है आपका मैजिक बॉक्स ठीक है तो मैजिक बॉक्स एक ऐसा स्क्वायर आपको अपने रफशीट पे बनाना होगा उसमें कुछ चीज पहले से दी गई हैं जैसे कि आपको याद होनी चाहिए आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं बट रिस्पेक्टिवली आपके ये जो रिलेशन हैं वो भी चेंज हो जाएंगे मैं आपको बोलूँगी आप इसे ऐसे याद रखिए ठीक है ठीके? अगर आप कंफर्टेबल है आप इसे ऐसे याद रखेंगे यहाँ पे बड़ा साइन यहाँ पे बड़ा या बराबर यहाँ पे छोटा यहाँ पे छोटा या बराबर और यहाँ पे इक्वल मतलब पी एम सी एम पी एम सी एम और यहाँ पे ये डायरेक्शन सेम है यहाँ पे डायरेक्शन सेम है और ये इक्वल का साइन बीच में ठीक है अब रिलेशन देखते हैं क्या हो, कैसे होंगे अगर आपको दो सिंबल्स मिलते हैं मतलब कुछ ऐसा देन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है ना और मैं बोलू ए और सी के बीच में रिश्ता बताइए तो ग्रेटर और ग्रेटर देन और इक्वल में आप क्या रिश्ता बताएंगे आप बोलेंगे कि ये वाला आएगा पीएम और सीएम में पीएम आएंगे मतलब ए बड़ा होगा सी से है ना मतलब आपने वर्टिकली टॉप और बॉटम में किसे चूज किया टॉप को चूज किया तो वर्टिकली आप हमेशा किसको चूज करेंगे टॉप को वैसे ही सेम अगर यहाँ पे ये और ये सिंबल आपको मिल जाए वर्टिकली तो भी आप टॉप और बॉटम में टॉप को चूज करेंगे ठीक है नेक्स्ट हॉरिजॉन्टली अगर दो सिंबल्स आपको ऐसे हॉरिजेंटली किसी लाइन पे मिलते हैं ऐसे मिलते हैं तो बड़े के बाद आपको छोटा मिल रहा है दोनों ही ऑपोजिट साइन आपको दिख रहे हैं ऑपोजिट हो गए पलटी मार दी गई है मतलब रिश्ता टूट जाएगा और इसलिए अगर हॉरिजेंटली आपको दो सिंबल्स मिलते हैं बीच में मतलब ए और सी के बीच में मुझे अगर एक बार ये इधर और एक बार ये सिंबल मिला मतलब कि एक बार मुझे ये मिला और एक बार मुझे अभी मैं हॉरिजेंटली ले रही हूँ तो थोड़ा दूसरा लेती हूँ अब सही है एक बार मुझे ये मिला और एक बार मुझे ये मिला मतलब कि हॉरिजेंटली देखिए ये और ये तो दोनों क्या है दोनों ऑपोजिट दो, डायरेक्शन में देख रहे हैं पलटी मार दी गई है मतलब नो no रिलेशन हो जाएगा ऐसे ही अगर मुझे ये वाले भी मिले ये और ये वाले तो भी क्या हो जाएगा नो no रिलेशन हो जाएगा इसलिए हॉरिजेंटली अगर दो साइन मिलते हैं तो नो no रिलेशन हो जाता है अगर आपको डायगोनली दो सिंबल्स मिलते हैं मतलब, मतलब अगर आपको ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल मिल गया मतलब कुछ ऐसा और फिर ये तो भी ये नो no रिलेशन है और ऐसे ही अगर आपको ये दोनों सिंबल मिल जाते हैं तो भी नो no रिलेशन है Last corner or mid. अगर आपको कोई कोने का सिंबल मिल जाता है और मिडल का मिल जाता है मतलब कुछ ऐसा या फिर कुछ ऐसा या फिर कुछ ऐसा या फिर कुछ ऐसा ठीक है कोने के साथ मिट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मिला ए इज ग्रेटर देन बी इज स्मॉलर इज इक्वल टू सी <laughs> तो ए और सी में हमेशा ये वाला सिंबल ही आएगा है ना आंसर तो यही आएगा A is greater than C. मतलब इक्वल इक्वल को हमेशा हम इग्नोर करते हैं, मतलब कोने और मिड में की हालत पता है कैसी है जैसे वन की होती है वन को किसी भी नंबर से आप इंटू कर दीजिए हमेशा क्या आएगा वह जो नंबर है वो ही आएगा ऐसे ही इक्वल के साथ कोई भी सिंबल ले लीजिए वो सिंबल ही आएगा इट मीन अगर कोने को मिड के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हमेशा कॉर्नर ही आएगा समझ में आई बात चलिए थैंक यू इमरान थैंक यू सो मच डियर चलिए तो बस बहुत ज्यादा मैं रूल्स नहीं पढ़ाती हूँ आप सभी को पता है मेरी आदत ठीक है ये तो फ्लावर बन गया यस yes. हाँ जरूर जरूर कोडिंग डिकोडिंग का भी मैम लेटेस्ट पैटर्न लेकर आना जरूर 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 आ गया आ गया बेस्ट टीचर थैंक यू गरिमा थैंक यू सो मच हु आर अप्रिशिएटिंग मी थैंक यू ठीक है थैंक यू सो मच चलिए अब क्या करें भाई यहां पे हमें दिख रहा है ये अब इसे पहले हम रखेंगे मैजिक बॉक्स में और पहले से, से समझ लेते हैं जो मैं समझा चुकी ऑलरेडी अब देखो कितना आसान हो जाएगा जब ये बोलते है पी क्यू, इसका मतलब होता है है इज़ इज़ नॉट नॉट स्मॉलर स्मॉलर देन देन अगर पी छोटा नहीं है, तो पी क्या होगा 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 या या तो बड़ा बराबर है हो गया ग्रेटर नेक्स्ट पी स्टार क्यू स्टार मतलब क्या होता है पी इज नाइदर ग्रेटर टू क्यू ना ही बड़ा है ना ही बराबर है मतलब छोटा है मतलब p क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा q से है ना चलिए मतलब स्टार का मतलब क्या हुआ स्मॉलर ध्यान से समझेंगे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं है ना हाँ तो यहाँ से हम हमें पता चला नॉट स्मॉलर देन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू दूसरे से पता चला ना इधर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब स्मॉलर देन है ना फिर पी आ, अभी साइन को क्या बोलते हैं आई थिंक डेल्टा है ना डेल्टा q मतलब p इज नाइदर स्मॉलर ना ही छोटा और न नॉट इक्वल ना ही बराबर मतलब p क्या हो जाएगा छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है मतलब p बड़ा है q से नेक्स्ट p dollar q मतलब p इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल नॉट स्मॉलर देन q इट मींस व्हाट बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है मतलब बराबर है q के और p कॉपीराइट q मतलब p इज नॉट ग्रेटर देन q बड़ा नहीं है मतलब छोटा है या बराबर है स्मॉलर देन और इक्वल टू यही होगा तो सारे सिंबल्स के लिए हमें एक आ, स, आ, हमें साइन पता चल गए मतलब अगर परसेंट लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि बड़ा ग्रेटर और इक्वल की बात हो रही है अगर स्टार लिखा है तो बात किसकी होने वाली है स्मॉलर की अगर डेल्टा लिखा है तो बात होने वाली है ग्रेटर की अगर डॉलर लिखा है तो बात होने वाली है इक्वल की और लास्ट बचा हमारा कॉपीराइट अगर लिखा है तो बात होने वाली है हमारी स्मॉलर देन और इक्वल टू की ठीक है ठीक चलिए अब क्या करेंगे अब हम मैजिक बॉक्स बनाएंगे मैजिक बॉक्स बनाते हैं ये लीजिए ये रहा आपका जादुई डब्बा। यहाँ पे ग्रेटर होता है यहां पे स्मॉलर होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉलर देन और इक्वल टू और बीच में इक्वल याद हो गया अभी याद हो जाना चाहिए अब देखो ग्रेटर ग्रेटर किसके लिए यूज हुआ है डेल्टा के लिए मतलब ग्रेटर की जगह डेल्टा लिख दीजिए ठीक है स्मॉलर स्मॉलर किसके लिए, किस लिए यूज हुआ है स्टार के लिए स्मॉलर की जगह स्टार आ जाएगा इक्वल इक्वल किसके लिए डॉलर डॉलर की जगह इक्वल इक्वल की जगह डॉलर यूज किया गया है फिर और क्या बचा है स्मॉलर देन और इक्वल टू कॉपीराइट की जगह स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू ये है ना यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा और बचा एक ही सिंबल है मतलब कि डॉलर बचा है वो आ जाएगा यहाँ पे है ना हुँ. अब देखिए क्या होगा सी अब हम क्या करेंगे अब देखो एक तो होता है इसको बेसिक से करने का तरीका बेसिक क्या होगा आप इन सब के सिंबल चेंज कर रहे होंगे यहाँ से देख देख के अच्छा परसेंट है परसेंट का मतलब बड़ा बराबर अच्छा स्टार है स्टार का मतलब छोटा और ऐसे करके एक स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर इसे भी ऐसे ही डिकोड करते हुए फिर स्टेटमेंट का आंसर करेंगे पर वैसे करेंगे तो पेपर छूट जाएगा वो नहीं करेंगे ठीक है मैजिक बॉक्स बनाएंगे हर एक सिंबल को अपनी जगह पे रखेंगे फिर आपको ये वाले साइन लिखने की भी जरूरत नहीं है वो आपके माइंड में होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप ये सिंबल्स को अरेंज कर देंगे ठीक है बड़े की जगह पे जो भी है बड़े को जिससे रिप्रेजेंट किया गया है छोटे को जिससे रिप्रेजेंट किया गया है बड़े बराबर को ग्रेटर इक्वल को जिससे रिप्रेजेंट किया है सबको रिप्रेजेंट जिससे किया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे अब बात आती है क्वेश्चन की अब क्वेश्चन कैसे करेंगे सबसे पहले पहुँचते किस पे कंक्लूजन पे Conclusion पे आ जाइए e से F तक जाना है। अब देखो एक होता है मैं सीधे चल रही हूँ एक होता है मैं उल्टा चल रही हूँ भाई जब मैं सीधे चलूंगी तो सब चीज सीधी सीधी हो रही है सीधे सीधे करेंगे लेकिन जब मैं उल्टा चलूंगी तो चीजें बदल जाएंगी मतलब सुनो मेरी बात जब ई e से एफ तक चलना है तो ई e मुझे मिला यहाँ पे ई e से पहले डब्लू तक जाऊंगी फिर W को ढूंढूंगी W से F तक जाऊंगी फिर F को ढूंढूंगी F से H तक जाऊंगी पर मुझे E से F तक जाना था तो चलो पहले ही, ये सफर पहले ही खत्म हो गया ये लो पहुंच गई E से तक मैं डब्लो, डब्लो से मैं से मैं मैं पहुंच गई अब क्योंकि सीधे नहीं मैं तो बैकवर्ड चल रही हूँ उल्टा चल रही हूँ तो क्या हो जाएगा ये जो भी सिंबल दे रखे हैं इनके ठीक ऑपोजिट सिंबल यूज होंगे अब ऑपोजिट क्या होता है तो ऑपोजिट इसका ऑपोजिट ठीक इसके सामने इसका ऑपोजिट ठीक इसके सामने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं समझ में आई बात तो जब हम उल्टा चले तो डॉलर डॉलर का ऑपोजिट क्या डॉलर का ऑपोजिट ठीक उसके सामने मतलब स्टार उल्टा चल रहे हैं स्टार स्टार का ऑपोजिट कौन स्टार का ऑपोजिट ठीक उसके सामने मतलब डल डेल्टा यार सॉरी ये डॉलर था एक सेकेंड दिस वाज डॉलर हाँ। डॉलर का अपोजिट ठीक उसके सामने भाई डॉलर का अपोजिट तो कॉपीराइट होगा ना ये लीजिए और स्टार स्टार का अपोजिट ठीक उसके सामने मतलब कि डेल्टा अब बताओ कॉपीराइट और डेल्टा में किसे प्रेफर करोगे अब वो रिलेशनशिप सिखाई थी ना वर्टिकली हॉरिजेंटली डायगोनली वो काम आएगी तो कॉपीराइट और डेल्टा में कॉपीराइट और डेल्टा दोनों कहाँ हैं भाई डायगोनल पे हैं दोनों डायगोनल पे यूज हो गए मतलब अगर डायगोनल ही आ रहे हैं दो सिंबल तो क्या हो जाएगा नो no रिलेशन हो जाएगा और इसलिए ये हो जाएगा गलत ऐसे ही एच से डब्ल्यू तक जाना है कैसे जाएंगे एच से पहले आप एफ तक जाइए फिर एफ से डब्ल्यू तक जाइए क्योंकि यहाँ पे इस बारी हम सीधे सीधे चल रहे हैं जब सीधे सीधे चल रहे हैं तो कोई भी सिंबल चेंज नहीं करेंगे है ना सीधे सीधे चल रहे हैं मतलब सारी चीजें सही चल रही हैं एच से एफ गए एफ से डब्ल्यू गए ठीक है पहुंच गए <coughs> पहले में परसेंट मिला फिर स्टार परसेंट परसेंट कहां है परसेंट कहाँ है अच्छा मैंने ये मैजिक बॉक्स में भी परसेंट की जगह नहीं लिखा ओ ओ चलो कोई बात नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे मैंने मैजिक बॉक्स में ना डबल बार लिख दिया डॉलर है ना सॉरी गाइस यहाँ पे परसेंट आएगा अपना यहाँ पे आएगा परसेंट है ना ओहो गलत हो गया चलो कोई बात नहीं फिर से कर लेंगे डोंट वरी मैंने एक ही सिंबल बार दो बार लिख दिया है उसके वजह से थोड़ी दिक्कत आई है कोई बात नहीं अभी ठीक कर लेते हैं देखो यहाँ पे परसेंट ग्रेटर देन और इक्वल की यूज हुआ है मतलब परसेंट आएगा यहाँ ठीक इसी के साथ इक्वल किसके लिए यूज हुआ है इक्वल बाय डॉलर के लिए मतलब इक्वल की जगह ये डॉलर आएगा यहां और सबसे ऊपर आई थिंक डेल्टा था ही है ना डेल्टा ग्रेटर के लिए था चलो ठीक है हो गया 1 सेकंड में

अब स्टार का अपोजिट क्या होगा ठीक उसके सामने मतलब डेल्टा तो ये डेल्टा आ गया अब बताइए डेल्टा और डॉलर में किसे चूज करेंगे तो ये क्या है कोना और मध्य मतलब कि कोना प्लस मिड में कौन कोने वाला कॉर्नर मतलब आंसर क्या आएगा डेल्टा आ जाएगा तो ये तो बिल्कुल सही है डी ठीक है ये बिल्कुल सही हो जाएगा सही है अब एच से डब्ल्यू तक जाना है अब एच से डब्ल्यू तक जाना है तो एच से एफ तक गए परसेंट मिला एफ से डब्ल्यू गए तो स्टार मिला परसेंट और स्टार में किसे चूज करेंगे तो परसेंट और ये स्टार डायगोनली दो सिंबल्स दे रखे हैं डायगोनली दो सिंबल्स दे रखे हैं मींस व्हाट मतलब कि नो रिलेशन हो जाएगा और इसलिए आंसर हो जाएगा गलत वेरी गुड वेरी गुड guys. तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा अब इसी मेथड से आप फिर से इस क्वेश्चन को करेंगे Next question on your screen. ये वाला आप खुद करेंगे और मैं देखती हूं कि आपको समझ में आया या नहीं जल्दी डब्बा बनाएंगे और करेंगे इसे परफॉर्म फटाफट guys. एक बार सेशन को लाइक भी कर देंगे guys. इफ यू आर लाइकिंग द सेशन देन प्लीज डू लाइक द सेशन चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या सही का एवरेज वॉश टाइम है गाइस मैं क्या बताओ वाओ wow! मतलब जितने स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो बने हुए हैं यहाँ पे और वो देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है दैट यू आर एंजॉइंग द सेशन ठीक है जबकि अब हम मेन्स लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं बट स्टिल ही एंड दिस इज गुड है ना ये अच्छी बात है आपका डेडिकेशन दिखता है ऐसे चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम डब्बा बनाते हैं ये लीजिए फिर से आपके साथ हम बनाते हैं ये

मतलब होता है नॉट स्मॉलर देन मतलब छोटा नहीं है तो क्या होगा बड़ा या बराबर अब डायरेक्ट करेंगे बड़ा बराबर और इक्वल कहां है यहां है यहां पे आ जाएगा परसेंट ऐसे ही स्टार मतलब ना ही बड़ा ना ही इक्वल बड़ा भी नहीं इक्वल भी नहीं ग्रेटर नहीं इक्वल नहीं तो क्या होगा छोटा ही तो बचा है तो छोटा वाला साइन कहाँ है यहाँ और यहाँ आ जाएगा हमारा स्टार नेक्स्ट डेल्टा डेल्टा मतलब ना ही छोटा ना ही बराबर स्मॉलर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है मतलब बड़ा है तो यहाँ पे डेल्टा कहाँ आ जाएगा यहाँ डॉलर मतलब ना ही बड़ा ना ही छोटा बड़ा नहीं छोटा नहीं मतलब इक्वल मतलब डॉलर आ जाएगा यहाँ और जो बचा हुआ सिंबल होगा उसकी एक ही जगह बची है यहाँ आ जाएगा कॉपीराइट अब देखो अब तुम्हें इन सिंबल्स की भी जरूरत नहीं है मैं इसे रफ कर रही हूं ठीक है क्योंकि हमने रिलेशनशिप्स याद कर रखी है है ना चलो इन्होंने बोला जे से डी तक जाइए यहाँ पे हमें तीन स्टेटमेंट दिखे ठीक तीन स्टेटमेंट दिखे हमें यहाँ पे इन्होंने बोला जे से डी तक जाइए जे से एम गए एम से टी गए टी से डी गए क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं बैक में जा रहे हैं तो क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है है कोई बात नहीं ठीक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एक्यूरेसी बन रही है दैट इज अ बिग थिंग ठीक है धीरे 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 जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनने लगेंगे मैम मेरे रीजनिंग में थर्टी सिक्स बायी आया सब आपके लिए आपके लिए संभव है थैंक्स मैम योर स्टूडेंट रतिन सरकार वेरी गुड वेल डन ठीक है चलिए आइए जैसे डी तक जाना है तो बिकॉज यहाँ पे हम उल्टा 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 चल रहे हैं और मैंने बोला जब मैं उल्टा चलूंगी तो सारे सिंबल्स के ऑपोजिट यूज होंगे मतलब स्टार का ऑपोजिट क्या ठीक इसके सामने मतलब डेल्टा दिख नहीं रहा है क्या ये पेन रुकिए मतलब डेल्टा ठीक है एम मतलब से टी गए फिर परसेंट परसेंट का, का ऑपोजिट क्या होगा ठीक है थीके? तो आप बताइए किसको प्रेफर करेंगे डेल्टा और कॉपीराइट डेल्टा और कॉपीराइट दोनों क्या है डायगोनल्स पे आ रहे हैं डायगोनल्स पे है, मतलब नो रिलेशन हो जाएगा मतलब ये गलत हो जाएगा नो रिलेशन में वी कैन कंक्लूड लुकिंग गुड मैम थैंक यू ऋषिकेश थैंक यू चलिए एम से डी तक जाना है एम से डी तक कैसे जाएंगे एम से पहले टी गए टी से फिर डी गए एम से जब टी गए तो परसेंट मिला हमें और परसेंट और फिर हम क्योंकि उल्टा गए तो परसेंट को अपोजिट मतलब कॉपीराइट यूज हुआ तो कॉपीराइट लिखा हुआ है और ऐसे ही टी से डी भी हम उल्टा गए इसलिए इसका ऑपोजिट यूज हुआ मतलब कि डॉलर ऑपोजिट डॉलर हो गया तो कॉपीराइट और डॉलर में किसे चूज करेंगे कॉपीराइट और डॉलर कोना प्लस मध्य कॉर्नर प्लस मिड किसे लेंगे कॉर्नर को लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए कॉपीराइट यही तो दे रखा है बिल्कुल सही वेरी गुड गाइज इतने अभी हमने पूरे ढाई घंटा यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी इंपोर्टेंट टाइप्स एंड उसी के साथ हमने प्रैक्टिस भी बहुत सारी की है आई होप सेशन बहुत अच्छा लगा होगा बहुत लोगों को पसंद भी आने वाला है एंड uh, चलिए आगे चलते हैं अभी भी अभी भी, भी बाकी है डोंट वरी नेक्स्ट जल्दी से मुझे ये करके बताएंगे और इसके अंदर मैं आपको एक और नए कॉन्सेप्ट से रूबरू कराऊंगी ठीक है तो कॉन्सेप्ट सारे ख़त्म करने हैं इसलिए अब एक और नया अभी यह भी तो बताना पड़ेगा ना कि इधर और अगर इसमें आ गया तो कैसे करेंगे ये कैसे छोड़ देंगे तो ये वाला हम उसमें बताएंगे ठीक है तो जल्दी से आप लोग थोड़ा सा इसे ट्राई करेंगे उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ ठीक है ठीक है फिर हमारी पी का दी एंड होने वाला है और हमारी पूरी इनक्वालिटी हो जाएगी आई एम वेरी हैप्पी आर तुम्हें बस ये प्लेलिस्ट ये बस ये चैप्टर यहाँ से देखना है एंड एग्जाम में चले जाना है एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाए बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है दैट वॉज बिगनर टू प्रो आई है ना जिंगर बिगनर टू प्रो प्ले लिस्ट थैंक यू थैंक यू सो मच मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप बताइए uh, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सोना शर्मा जैसे आप सोना शर्मा रीजनिंग डालेंगे आ जाएगा उस पर ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो मतलब बच्चे ज्वाइन कर रहे होते हैं मजा आ रही होती है जैसे एक्सटेंड हो रही है फैमिली चलिए इधर आइए कुछ नहीं करना है हमें हमारा मैजिक बॉक्स ही बनाना है यहाँ पे हम बनाएंगे अपना मैजिक बॉक्स ठीक है अब हमारे अब मैं नहीं लिखने वाली हूँ यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर ग्रेटर देन और और इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं डायरेक्ट हम लिखेंगे सिंबल्स ओके रिलेशनशिप याद है तो चलिए आ जाइए हाँ, डॉलर के बोल रहे हैं कि नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो क्या होगा इसका मतलब इक्वल होगा तो इक्वल की जगह पे डॉलर रख देंगे इक्वल तो बीच में होता है ए एट बी मतलब ए इज नाइटर ग्रेटर टू बी बड़ा और छोटा दोनों नहीं है मतलब सॉरी बड़ा और बराबर ग्रेटर और इक्वल नहीं है मतलब क्या होगा हाइट अगर बड़ी नहीं है और इक्वल नहीं है किसी के तो क्या होगी छोटी होगी उससे है ना तो छोटा वाला साइन कहाँ आता है याद है आपको यहां आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एट नेक्स्ट ए परसेंट बी मतलब ए ना ही छोटा ना ही बराबर है B के ए ना ही छोटा ना ही बराबर है B के मतलब बड़ा बड़ा है B से। बड़ा कहां आता है से आता यहाँ पे यहाँ पे याद है ऐसे बना होता है तो बड़े वाले के लिए हम यहाँ क्या है सिंबल परसेंट नेक्स्ट ए एंड बी इज नॉट स्मॉलर देन बी छोटा नहीं है तो क्या होगा छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा अगर स्मॉलर नहीं है तो क्या होगा ग्रेटर और इक्वल ग्रेटर और इक्वल कहा लिखा होता है यहाँ ठीक है लास्ट में मैं लिख के भी बता दूंगी शांत रहो यहाँ मतलब कि हम एंड को यहाँ रखेंगे ये एग्जैक्टली exactly मैं वो बता रही हूँ जैसे आप एग्जाम में करोगे हैश अब यार हैश के लिए तो एक ही जगह पे चाहिए यहाँ बिठा दो ठीक है अब मैं तुम्हें वो भी लिख देती हूँ यहाँ पे एक्चुअल में क्या था यहाँ पे बड़ा आता है हाँ पे smaller, यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे गेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू एंड दिस इज इक्वल ठीक है आपके अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर जाओ इसलिए लिखा है बाई ड मीन कि आप एग्जाम में लिख रहे होगी इसमें टाइम वेस्ट होगा इसलिए मत लिखना वरना वैसे तो कुछ ही सेकेंड्स लगेंगे अगर आपका इतना ही मन है तो लिख भी सकते हो चलिए आइए एन से डब्ल्यू तक जाना है तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं चार स्टेटमेंट से डब्लू तक तो जाना है तो गाड़ी पकड़ते हैं एन से आई तक गए आई को ढूंढिए आय से जी तक गए जी को ढूंढिए जी से पी तक गए पी को ढूंढिए पी से ढूंढिएब्लू तक गए पहुंच गए लेकिन ये तो उल्टा, उल्टा 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 चल रहे हैं मतलब हर एक सिंबल का ऑपोजिट सिंबल रखा जाएगा है ना तो आ, हैश का अपोजिट क्या होगा हैश का अपोजिट ठीक उसके सामने मतलब की एंड एट एट का अपोजिट ठीक उसके सामने मतलब की परसेंट जी का अपोजिट ठीक उसके सामने अरे ये परसेंट का अपोजिट ठीक उसके सामने मतलब कि एट हॉरिजेंटल लाइन पे आपको अपोजिट मिलता है याद रखिएगा और एंड का अपोजिट क्या होगा एंड का अपोजिट ठीक उसके सामने मतलब कि हैश है ना तो पता है आप पहले ही इसका आंसर बता सकते थे कैसे आपको जैसे ही दो सिंबल्स पता चले देखो कैसे आप जब यहां से यहां गए आपको मिला एंड एंड के मिला बाद मिला परसेंट एंड और परसेंट में टॉप और बॉटम बॉटम और टॉप में किसे चूज करेंगे वर्टिकली टॉप और बॉटम में किसे चूज करते हैं टॉप को तो आपने चूज कर लिया यहाँ पे परसेंट को अब परसेंट और एट में आप किसे चूज करेंगे तो परसेंट और एट अरे ये तो हॉरिजेंटली आ गए हॉरिजेंटली या फिर डायगोनली अगर दो सिंबल आते हैं तो क्या होता है नो no रिलेशन मतलब ये क्या हो गया परसेंट के बाद एट अरे एड दे दिया हॉरिजेंटली दे दिया मतलब ये हो गया नो no रिलेशन मतलब आंसर गलत हो जाएगा दूसरी चीज एन से डब्ल्यू तक जाना है एन से आई तक गए आई से जी तक गए जी से पी तक गए पी से डब्ल्यू तक गए हमारा आंसर क्या ये बोल रहे हैं हैश आएगा चलो तो ये भी देख लेते हैं भाई हमने देखने जाने से पहले हमने बोला अभी तो पता चला था कि नो रिलेशन है रिलेशन तो बनी नहीं रहा तो क्या देखें एनआर डब्ल्यू के बीच में कोई रिश्ता नहीं बनने वाला तो आंसर कभी नहीं आएगा मतलब ये भी गलत है तो नो रिलेशन इसमें भी आएगा एनडब्ल्यू के बीच में ये सिंबल भी गलत ही होगा क्योंकि नहीं बन रहा है रिश्ता अब यहाँ पे नाइदर नॉर पे आपके ये जो फिंगर्स है जा रहे होंगे टिक करने उसी से पहले आप थोड़ा सा शांत होंगे और रुकेंगे और देखेंगे कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी तो देखिए कोई चीज आपसे अभी रह गई है देखनी क्या चीज वो देखते हैं परसेंट का मतलब क्या है बेटा परसेंट का मतलब था ग्रेटर का मतलब क्या है, का मतलब है अगर आप ध्यान से अपनी अगर आपको समझ है हो हो से हम पढ़ रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे देखू दोनों अपने अपने में गलत है दोनों के एलिमेंट सेम है एन एन डब्ल्यू डब्ल्यू और तीसरी चीज तीनों ही सिंबल्स प्रेजेंट है ग्रेटर भी स्मॉलर भी और इक्वल भी ऑल द थ्री साइंस आर प्रेजेंट तो क्या करेंगे हम यार ये तो नो रिलेशन का केस हो गया है ना आ, मतलब आइदर और नो रिलेशन वाला बट क्या इसके लिए आपको ये साइंस लिखने पड़ेंगे ये करना पड़ेगा नहीं तो मैजिक बॉक्स के थ्रू आपको कैसे पता चलेगा कि ये आइदर और वाला केस है ठीक है तो उसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे दोनों अपलबने में गलत है और दोनों के एलिमेंट एनएन डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों के एलिमेंट भी सेम है अब जो तीसरी चीज होगी वो ये होगी आप यहां पे डायगोनल्स के साइन देख रहे होंगे अगर दो सिंबल डायगोनल से पकड़ लिए गए हैं जैसे परसेंट के साथ हैश या फिर एट के साथ एंड तो वो आइदर और बन जाएगा तो आइदर और अगर आपको मैजिक बॉक्स में चाहिए आइदर और इन मैजिक बॉक्स तो कैसे बनेगा आपका आपको डायगोनल्स पे साइन चाहिए होंगे डायगोनल के दोनों साइन चाहिए होंगे No relation के केस में लेकिन अगर रिश्ता बन रहा है जी मतलब अगर एन और डब्ल्यू में मान लो रिश्ता हमें पता चल रहा होता और रिश्ता आ रहा होता ठीक है मतलब कि अगर हमें आ ये आ रहा होता एक हमारा आ रहा होता आंसर स्मॉलर देन और इक्वल टू एक जगह स्मॉलर होता एक जगह इक्वल एक होता और सिंबल्स हमें दिए होते एट और डॉलर तो हम इसमें भी क्या करते आईदर और कर देते मतलब आइडर और एक और तरीके से बन सकता है ऊपर के ये वाला साइन बीच वाले के साथ या फिर ये वाला साइन बीच वाले के साथ ये वाले आइडर और कब बनेंगे जब रिश्ता पता होगा तो दो सिंबल मिल रहे होंगे रिश्ता नहीं पता होगा तो डायगोनल्स के मतलब कि तीन सिंबल मिल रहे होंगे ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे बट इसके बाहर और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है ना चलो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं मैजिक बॉक्स का और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर नहीं बताना है तो भाई ये जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा लगा और अगली वीडियो आप क्या चाहते हैं जितना भी जो भी आपके दिल में हो व्यक्त तो जरूर कीजिएगा अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे थे तो भी मुझे बताइएगा कि सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना जैसे कि मैं जान पाऊँ कि आपने भी इस सेशन को देखा है और प्लीज़ आगे जितना भी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉरवर्ड कीजिएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये हर उस व्यक्ति हर उस बच्चे तक जाएगा वीडियो जिसको प्रॉब्लम होती है इन क्वालिटीज़ में यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको इन वन शॉट अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ तो इसके पीछे मेहनत बहुत लगी है मेरी आई होप इतनी देर एक साथ पढ़ाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है बट आप लोग को मुझे कराना था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी एग्जाम आए तो उससे पहले आप जल्दी से इन वन शॉट बाय सोना मैम स्टार्ट कर दे, देख लें और आपका क्विक रिवीजन हो जाए ठीक है मतलब आप पूरा चैप्टर सीख सकते हैं ये पूरी बिगनिंग से मैंने आपको बिल्कुल प्रो लेवल तक का सिखाया है अब बात आती है डेफिनेटली फॉलो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो लॉजिकली फॉलो लॉजिकली डज नॉट फॉलो की तो इसे किए बिना जाएंगे नहीं तो ये वाला भी चैप्टर ये वाला भी हम कर लेते हैं चलिए तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा सिखा देती हूँ वैसे ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर आपसे पूछा जा रहा होता है सिलोगिज्म के क्वेश्चन में तो उसमें तो मैं सिखाऊंगी ही ओके okay? चलिए तो यहाँ पे इन्होंने बोला डेफिनेटली फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो बेटा अगर मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी ठीक है और मैंने बोला इज ए ग्रेटर देन सी पहला कंक्लूजन तो आप बोलेंगे ए से सी तक गए सभी डायरेक्शन में देख रिलेशन बन गया पर्पल्स एंड कौन सा जो अकेला है मतलब ये मतलब ये बड़ा है सी से बिल्कुल सही सही बोलेंगे और इसी के साथ आप एक और चीज बोल सकते हैं डेफिनेटली ट्रू मैम पक्की तौर पे ट्रू है तो ये सही हो जाएगा पर डेफिनेटली डस नॉट फॉलो क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखो एक बात अब अगर मैंने आपसे बोला ए से सी तक जाना है ए और सी के बीच में रिश्ता दे रखा है ए से सी तक जाना है ठीक है अब ए से सी तक चले ये इधर देख रहा है इसने पलटी मार दी ने हमारी पलटी हमने रिश्ता तोड़ दिया हमने जाके इसे गलत तो कर दिया लेकिन आप इसे डेफिनेटली नॉट फॉलो नहीं कहेंगे क्योंकि जब आपको रिश्ता खुद नहीं पता जब आपको ये नो no रिलेशन मिल रहा है और जब आपको खुद नहीं पता कि ए और सी का रिश्ता ही क्या है तो आप कोई भी कंक्लूजन में डेफिनेटली ना ही फॉलो और ना ही डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करेंगे मतलब अगर कोई कॉरिडोर पर कोई खड़ा है और मैंने उसे नहीं देखा या फिर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है जैसे प्रिया है प्रिया को मैंने अभी तक देखा नहीं है प्यारे प्यारे कॉमेंट जरूर पड़े हैं अगर मैंने प्रिया को देखा नहीं है तो आ, मैं उनके बारे में कोई भी कॉमेंट चाहे उनका परफॉर्मेंस हो चाहे उनकी हाइट हो वेट हो कोई भी चीज उनके बारे में डेफिनेट तौर पे नहीं बोलूंगी ना ही मैं ऐसा बोलूंगी प्रिया की हाइट पक्की तौर पे बड़ी नहीं है किसी व्यक्ति से बोल बोल सकती हूँ नहीं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मतलब रिश्ता अगर नहीं पता होता है तो ना ही डेफिनेटली फॉलो और ना ही डेफिनेटली डज नॉट फॉलो किया जाता है तो ये फॉलो तो नहीं करेगा लेकिन डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है इसलिए उसमें ये आंसर नहीं होगा अब लॉजिकली फॉलो और लॉजिकली ड नॉट फॉलो में क्या अंतर होता है वो भी देख लेते हैं यहां पे मैंने ये लिया ठीक है से सी तक जाना है से सी तक गए ए से सी के बीच में सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं रिलेशन बन गया पावरफुल साइन कौन सा जो अकेला है मतलब ये मतलब ए बड़ा होगा सी से ए बड़ा है सी से बिल्कुल सही चला गया यहाँ इक्वल सी के बता रहे हैं तो ये क्या होगा ये डेफिनेटली रॉन्ग होगा क्योंकि हमें पता चल गया है कि ए बड़ा है सी से तो ए कभी भी छोटा भी नहीं होगा और बराबर भी नहीं होगा सी के तो ये होगा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो और इसी के साथ ये लॉजिकली नॉट फॉलो भी होगा ठीक है तो यहाँ पे ऐसा क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगी अब देखो अगर मैंने कोई बात बोली ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ई ठीक है और मैंने ये कर दिया ए इज ग्रेटर देन और इसी के आगे मैं एक और चीज कर देती हूँ ए इज ग्रेटर देन ई तो ये बात तो सही हो गई तो ये लॉजिकली फॉलो हो गई अगर मैं एक कंक्लूजन आपको देती हूँ बी इज ग्रेटर बी से जब आप आई पे गए तो ये सब एक डायरेक्शन में देख तो रहे हैं पर यहाँ पे इसने पलटी मार दी दोस्त से मारी पलटी हमने तोड़ा रिश्ता मतलब ये हो गया नो no रिलेशन और नो no रिलेशन होने के कारण हम बोलेंगे ये तो गलत है लेकिन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं बोलेंगे लेकिन लॉजिकली डज नॉट फॉलो कह देंगे क्यों तो लॉजिकली फॉलो लॉजिकली डज नॉट फॉलो बहुत आसान है देखो क्या होता है जो चीज आपकी लॉजिकली फॉलो हो रही है उसे आपने टिक कर दिया राइट right? और जो फॉलो नहीं हो रही थी उसने उसे आपने ऐसे कर दिया था रॉन्ग तो ये जो रॉन्ग वाली होती है ना वही होती है लॉजिकली डज नॉट फॉलो और हर एक लॉजिकली डज नॉट फॉलो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो भी होता है ठीक है <laughs> चलिए तो यहाँ पे B इज ग्रेटर देन I आपने क्या बोला जो सही गए वो तो लॉजिकली फॉलो हो गए जो आपने गलत कर दिए थे भाई हमें नहीं पता हम नहीं बता सकते और आपने गलत कर दिए नो रिलेशन है ठीक है वो क्या हो जाएंगे लॉजिकली डज नॉट फॉलो हो जाएंगे मतलब जो जो आप गलत कर रहे थे वो सभी लॉजिकली डज नॉट फॉलो समझ में आई बात आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों ने कॉमेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मुझे लाइव में दिए रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग जो देखेंगे प्लीज़ वो भी अपना जरूर अपने वर्ड्स लिखिएगा थैंक यू एवरीवन चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल वीडियो को जहां तक तो पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा मेरा नाम सोना शर्मा है मैं डेली बेसिस पे बैंकर सड्डा पे पढ़ाती हूँ बैंकर सड्डा के यूट्यूब चैनल पे का जो मेन मोटिव है दैट इज़ ओनली वन बैंकर्स बनेंगे यहाँ से ठीक है तो बैंकर्स का अड्डा है ये बैंकर्स अड्डा आप सभी इस वेबसाइट और इस यूट्यूब चैनल से बहुत टाइम से परिचित भी होंगे इस वेबसाइट ये एक बहुत फेमस वेबसाइट भी रह चुकी है और बैंकर्स अड्डा आप सभी को पता है अगर आप कोई भी क्विज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं मैं डेली बेसिस पे वहाँ पे भी क्विजेस डाल रही होती हूँ वो सारे क्विजेस कीजिएगा हेल्प करेंगे आपको और हर चीज़ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ मैं क्विज दे रही हूँ आपको मैं आपको रीजनिंग रील्स ला रही हूँ आपके ट्रेनिंग और ब्रेन सेशन ला रही हूँ जहाँ पर आपकी फ़ाउंडेशन बनेगी प्रियोर मीन्स की उसी के साथ मैं रोज़ डेली बेसिस पर मॉर्निंग नौ बजे आपको मिलती हूँ और फिर दोपहर बारह बजे रीजनिंग रील्स विथ सोना शर्मा में मिलती हूँ वन शॉट वीडियो आपकी हर मंडे आपको मिलेगी एक पूरा टॉपिक मैं आपको एक ही वीडियो में कराऊंगी आज के लिए इतना ही इसमें हमने पूरी इनक्वालिटी कर ली है ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन इक्वालिटी में ये है। कोई भी डाउट हो प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग देन प्लीज डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज थैंक यू बाई टेक केयर इफ यू हैवन सब्सक्राइबल चैनल राइट नाउ एंड प्लीज लाइक एंड शेयर करना प्लीज शो योर लव And support to me. Okay, thank you. Bye bye. Take care.